Okay, so let's start. So we are gonna start JavaScript from basics. ठीक है, JavaScript पढ़नी है basics से. So पहला question तो ये है कि हम JavaScript क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, so मैं JavaScript इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि हम Node.js करेंगे और Node.js के लिए JavaScript आनी चाहिए और Node.js हम API बनाएंगे, फिर हम अपनी एक एप्लीकेशन बनाएंगे. ठीक है, बींग इन टेक्निकल डिपार्टमेंट वी गोना डेवलप सम प्रोजेक्ट्स. ओके, सो सबसे पहले जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमें क्यों पढ़नी चाहिए. ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, सबको पता है, हमें ही पता है. ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ टर्म्स होते हैं, एक होता है टर्म वेरिएबल्स. ठीक है, एक होता है आइडेंटिफायर्स. ठीक है, और अपने टर्म्स होते हैं जैसे कि रिजर्व कीवर्ड्स. ठीक है, और अपने टर्म्स होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस. ठीक है, और अपने होते हैं सिंपल फंक्शंस, एक होता है एरे टर्म होता है. ठीक है, तो चलो एरे टर्म नहीं होता है, लोग क्या लाइक डेटा टाइप होता है वो. तो वेरिएबल आइडेंटिटी रिजर्व कीवर्ड बिल्ट इन फंक्शन फंक्शंस और क्या होता है अपना, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जनरली लोग यूज करते हैं वर्ड्स यही होते हैं. ठीक है, मेनली बेसिकली जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर कोई और होगा तो मैं वो भी यहाँ पर मैंशन करते जाऊँगा. ठीक है, सो पॉइंटर्स इज नॉट अ जनरल टर्म, इट्स अ डेटा टाइप. ठीक है, सो सी प्रोग्रामिंग तो मैं क्लास स्टार्ट होगा, लेट्स गुड. सो अभी तुम इस पर फोकस करो. ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. और ठीक है, सो एक चीज़ और होती है जिसको डेटा टाइप. ठीक है, सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये सब टर्म्स से मिलकर प्रोग्रामिंग बनती है. ठीक है, और इन सबको कलेक्टिवली हम टोकन्स भी कहते हैं. ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है ना कि वट आर टोकन्स इन C++ में इनको टोकन्स कहते हैं, सबके कॉम्बिनेशन को. ठीक है, सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक हमारे लाइक स्कूल में और टेंथ क्लास में एक चैप्टर होता था अलजेब्रा करके. ठीक है, टेंथ में या सेवन्थ एट में होता होगा, अलजेब्रा नाम का चैप्टर होता था. तो उस चैप्टर में पढ़ते थे कि लाइक लेट एक्स इक्वल टू 10, उसके बाद है ना लेट वाई इक्वल टू 20, तो जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, ऐसा कुछ होता था कि लाइक फाइंड जेड, है ना, एक स्टेटमेंट ये होती थी इक्वेशन की 2x + 3y = 30+z, ऐसे. तो इसमें कहते थे कि हमारे पास x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z को निकालना है. ठीक है, तो हम एक्चुअल में क्या करते थे, हम x की जगह 10 डालते थे और y की जगह 20 डालते थे. ठीक है, सो थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे और z की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे. सो इन दिस केस इट्स अ वेरिएबल. ठीक है, सो जब हम लिखते हैं ना कि x इक्वल टू 10, अगर हम सिंपल x इक्वल टू 10 लाइक अगर मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 10 है, सो x क्या है, x एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 की वैल्यू स्टोर है. ठीक है, सो 10 क्या है, 10 इज अ टाइप, 10 है डेटा, एक्चुअल में 10 एक डेटा है. ठीक है, अब इस डेटा का टाइप क्या है, ठीक है, ये हमें नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम x को 10 दे रहे हैं वैल्यू, तो हम 10 ही देंगे. मैथमेटिक्स में 10 हो सकता है, 10.5 हो सकता है, 10.66 हो सकता है. ठीक है, नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ नंबर ही हो सकता है. ठीक है, और उस नंबर में भी टाइप है. इस मैथमेटिकल में फॉर्म में हम नंबर को क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे. और अगर मैं 10.7 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल टर्म्स में इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर. ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग वही डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं फ्लोट. ठीक है, और अगर इसमें ज्यादा पॉइंट्स के बाद ज्यादा वैल्यूज होती है उसको हम बोलते हैं डबल. ठीक है, तो मैं कुछ नाम लिखता हूँ. ठीक है, तो पहले हम अभी वेरिएबल आपका समझ में आएगा, लाइक जस्ट अ सेकेंड अभी आ जाएगा. तो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जैसे कि जब मैं लिखता हूँ कि एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, 0.777, तो मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 10.777 है. ये तो मैंने मैथ के डेफिनेशन लिखी, लेट x इक्वल टू 10. ठीक है, तो इसको हटा दो. तो जैसे कि ये लिखा मैंने x इक्वल टू 10.777, इसका आया कुछ नहीं, समझ लो x एक मैंने इस 10 को नाम दे दिया x, जहाँ पे मैं x लिखूंगा वहाँ पे मतलब ये वैल्यू प्लेस हो जाएगी एज इट इज. ठीक है, जस्ट लाइक इन दिस इक्वेशन. तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है x, तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू पप्पेस मार सकता हूँ, तो लाइक दिस. ठीक है, तो ये समझ लो कि x इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, जो उस वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो इस x को हम वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर जो डेटा स्टोर है वो एक डेटा है. ठीक है, लाइक सॉरी, x क्या है, x एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वो एक डेटा है. ठीक है, तो और भी चीज होती है कुछ, जैसे कि एक चीज मैंने मिस कर दी, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स. ठीक है, सो ये एक स्टेटमेंट है. ठीक है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं. ठीक है, तो जैसे कि ये एक फर्स्ट लाइन, इसमें एक स्टेटमेंट है, सेकंड लाइन इसमें एक स्टेटमेंट है, थर्ड लाइन इसमें एक स्टेटमेंट है. ठीक है, सो एक सेकंड रुकना है, मैंने एक छोटी सी गड़बड़, या सो क्या कह रहा था मैं, तो मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा है. ठीक है, तो मैं कह रहा था जैसे कि मैंने ये एक लाइन लिखी, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये फोर्थ स्टेटमेंट है. ठीक है, सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन स्टेटमेंट इज यू नो वन लाइन, यू कैन से दैट. ठीक है, सो जैसे मैं अगर इस स्टेटमेंट की बात करूँ, तो इसमें मैंने लिखा x इक्वल टू
10.777, ठीक है। सो जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना, हमें एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। सो इसमें एक्स क्या है, एक्स इज अ वेरिएबल, ठीक है। अभी हमने इस पे कोई कुछ बताया नहीं, बस इतना कह रहा हूँ कि एक्स इज अ वेरिएबल। इक्वल टू क्या है, अब सिंगल इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो इक्वल टू इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। असाइन करने का मतलब क्या होता है, उसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 10.777 का मतलब हो गया यहाँ पे कि x को हमने 10.777 वैल्यू दे दी है। अब x क्या है, x एक वेरिएबल है जो कि इस वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कोई बात नहीं करी है इनमें से किसी चीज की, बात नहीं करी मैं डेटा टाइप वगैरह क्या होता है, बस इतनी सी बात कर रहा हूँ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ कि y इक्वल टू लेट से स्पेस दे भी सकते नहीं भी सकते कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं ऐसे भी लिख दूंगा तब भी चलेगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ y इक्वल टू वंश, ठीक है। सो जब मैं y इक्वल टू वंश ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो इस केस में मैंने बोला कि y को मैंने वंश वैल्यू दे दी है। अब क्वेश्चन ये आता है, भैया आपने डबल कोट्स लगाए, ये तो आपने बताया नहीं कि ये क्या होता है, ठीक है। सो मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी अभी, ये डबल कोट मैंने क्यों लगाए है और ये सब चीज क्या है, ठीक है। सो अभी जहां तक मैंने समझाया, लाइक फ्रेशर्स को समझ में आ रहा ना, देखो बाकी को तो आती होगी छोटी सी चीजें, ठीक है। लाइक जनरली जब फ्रेशर्स होते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, भैया करना क्या चाह रहे हैं, ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं सब ऊपर से आ रहा है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक एक लाइन का मतलब पता हो करने से पहले, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना अच्छे से नहीं बता रहा लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सो ये वाई इज इक्वल टू वंश लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये डबल कोट है, तो एक चीज याद रखना, जब भी लाइक ये एक सिंपल सा रूल है, लाइक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगता है ये, मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी वेरिएबल को रेफर करते हैं ना, वेरिएबल को, लाइक वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है। तो वेरिएबल को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। लाइक दो चीज होती है, वेरिएबल होता है विदाउट डबल कोट्स, यू कैन से वेरिएबल इक्वल टू विदाउट डबल कोट्स, जो भी वैल्यू होगी वो विदाउट डबल कोट्स होगी। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैंने ये एक्स है, ठीक है, सपोज एक प्रिंट नाम का फंक्शन है या फिर कोई भी चीज है, लाइक मेरे को इस एक्स की वैल्यू को यूज करना है कहीं पे, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ सिंपल एक्स, तो मैं रेफर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो एक्स की वैल्यू है। अगर मैं एक्स को डबल कोट्स में लिखता हूँ ना, तो ये अब एक वेरिएबल नहीं रहा, ये बन गई एक वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू और वेरिएबल में अंतर होता है, जब कुछ डबल कोट्स के अंदर आती है वो होती है एक वैल्यू, ठीक है। अब वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होती है, क्योंकि डबल कोट्स में हम हमेशा स्ट्रिंग लिखते हैं। अब डबल लिखो या सिंगल लिखो, सिंगल में भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, तो ज्यादा मैटर नहीं करता है। लाइक सी प्लस प्लस में कहा जाता है कि सिंगल स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर आता है, लेकिन पाइथन में डबल कोट्स में करेक्टर भी आता है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग भी आती है, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ये नहीं पता। सो अनम्यूट करके बोलो भाई, क्या मैं म्यूट थोड़ी हूँ यार, मेरी आवाज तो आ रही है, आ रही है ना मेरी आवाज? अरे आपको नहीं बोला वो, आ रही है, आ रही है। उसकी प्रॉब्लम थी ना, उसकी उसको बोला मैंने। अच्छा, सो आई एम सेइंग कि लाइक कोई भी चीज अगर हम बिना डबल कोट्स के लिखते हैं, इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। अब बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि भैया हम 10.77 को डबल कोट्स को नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है। लाइक आपने पढ़ा होगा सी प्लस में भी, आप नंबर्स को डबल कोट्स में कभी नहीं लिखते हैं। लाइक अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो नंबर को आप डायरेक्टली लिख देते हैं ऐसे, आप कभी ऐसे नहीं लिखते कि नंबर को 3 के अंदर, लाइक डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आउटपुट सेम ही आएगा। लाइक अगर मैं आपको अपने इसमें पाइथन डालूं और पाइथन पे लिखूं मैं प्रिंट, प्रिंट ही होता है ना फंक्शन प्रिंट करने के लिए, और मैं यहाँ डालूं 34 ऐसे करके, तो 34 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं सिंगल 34 डालूं तो भी 34 प्रिंट हो रहा है, एक सेकेंड, तो भी 34 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, इन दिस केस दिस 34 इज अ इंटीजर, लाइक वो एक नंबर है, ठीक है। तो इसमें प्रिंट के अंदर नंबर आर्ग्यूमेंट जा रहा है, और इन दिस केस इट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन ये एक वैल्यू है, ठीक है। अगर तुम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लाइक अगर तुम ऐसे लिखते हो ना, जैसे कि अगर तुम प्रिंट के अंदर 34 प्लस 5 लिख रहे हो, 4 लिख रहे हो, तो ये 38 होके आ रहा है, लाइक ये सम कर पा रहा है। लेकिन अगर तुम डबल कोट्स पर 34 के साथ 4 लिखते हो ना, तो ये एरर देगा, क्योंकि दिस टाइम दिस पर्टिकुलर, एक तो मैंने गलत लिख दिया है, सो यहाँ दिखा रहा है कि इट मस्ट बी अ स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, ठीक है। सो एक्चुअली पाइथन पे मैं आ गया हूँ बस इतना समझाने के लिए कि लेट सपोज एक फंक्शन है प्रिंट, इसमें मैं डबल कोट्स का 34 लिख रहा हूँ, तो इस टाइम ये स्ट्रिंग है प्लस मैंने 4 लिखा है, ठीक है। तो 4 एक नंबर है, तो आप कभी 4 नंबर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जैसे कि आप वंश को, अब मैं आपसे बोलूंगी 5 + 10 कर दो 15 कर दोगा, मैं बोलूँगा आपको वंश प्लस 5 करना है, इसके कोई वैल्यू दो मुझे, इसका कोई आंसर ही नहीं है ना वंश प्लस 5 का, यहाँ तो आपको वंश 5, ठीक है। लेकिन वो एक कैलकुलेशन नहीं है, उस कैलकुलेशन के लिए कोई मेथड डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो ये चीज होती है। सो अब मैं, आप इतनी सी बात ध्यान रखो लाइक शुरुआत में, कि जब भी आप इंटीजर राइट करोगे तो आप विदाउट डबल कोट्स लिखोगे। अगर आप इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू लिखते हो, ठीक है,
लाइक सपोज आपको इंटीजर प्लस स्ट्रिंग साथ में लिखनी है तो आप उसको डबल क्वोट्स में लिखोगे, लाइक वंश 10 लिखना है, ठीक है, या 10 वंश लिखना है, वो सब, ठीक है, वो सब चाहिए. सो नाउ बिफोर मूविंग अहेड, लाइक जैसे कि ये चीज तो हो गई कि हम वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल इक्वल टू और ये वैल्यू क्या होती है, स्टेटमेंट समझाई मैंने सिंपली, ठीक है. अब बात कर लेते हैं एक छोटी सी चीज की, जिसको हम कहते हैं कि हम वेरिएबल्स के नेम कैसे रखेंगे, ठीक है. जैसे ये वेरिएबल्स है हमारे, सपोज मुझे कोई वेरिएबल रखना है, लाइक मेरे को कोई नंबर रखना है 10, ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू है 10, एक मेरे पास वैल्यू है 20, मुझे इन दो वैल्यूज को एक लाइक एक कहीं स्टोर करना है, ठीक है, उसके बाद मुझे सम करना है सपोज. सो मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक नम इक्वल टू 10 ले लूंगा, ठीक है, और दूसरा मैं ले लिया कि 2 नम, लाइक सेकंड नंबर इक्वल 20. सो इन दिस केस ये जो मैं लाइन लिखी है ना, इट इज नॉट अ वैलिड लाइन, इट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट. वाई? क्योंकि वेरिएबल्स को नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो रूल्स क्या होते हैं, वो रूल्स देखने में जरूरी है, ठीक है. तो वेरिएबल्स को नेम करने के 5 तरह के रूल होते हैं, मेरे को 5 नहीं आते, मेरे को सिंपल रूल बताता हूँ, मतलब जो मेरे को आते हैं. तो पहला रूल है, जब भी हम कोई वेरिएबल को नाम देंगे, लाइक जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि जो हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, लाइक हम ऐसा नाम तो नहीं रख रहे हैश नम इक्वल टू 10 या ऐसा कुछ, ठीक है. सो ये एक चीज देखी जाएगी कि जो हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है. सब स्पेशल कैरेक्टर लाइक बस अंडरस्कोर के अलावा, लाइक ओनली वी कैन यूज अंडरस्कोर एज अ फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है. लाइक मेरे सबसे हम वेरिएबल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते अदर देन अंडरस्कोर, ठीक है. ना तो वो कहीं और से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक ना तो वो एट्रेड ऐसे आए वेरिएबल में, या फिर ना तो एट्रेड ऐसे आए, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लाइक कोई भी वेरिएबल का नाम रखो उसमें ना तो उसमें एट्रेड हैश कॉमा सेमी कॉलन परसेंटेज ये सब इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्टार भी नहीं होना चाहिए. इट कैन ओनली हैव एन अंडरस्कोर इन बिटवीन, लाइक अंडरस्कोर यहाँ डाल लो, चाहे अंडरस्कोर यहाँ डाल लो, अंडरस्कोर शुरुआत में डाल लो, ठीक है. तो ये पहला रूल है. पहला रूल ये है कि नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, ठीक है, अदर स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर, ठीक है. तो ये चीज हो गई. और दूसरा रूल होता है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विद एनी नंबर, ठीक है. तो जो वेरिएबल का नाम है वो नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, लाइक नंबर से एंड हो सकता है, जैसे कि नम 0 मैंने लिखा, ठीक है, जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पे हैश नम इक्वल टू 10, सो लाइक लेट्स से 34, सो इट इज इनवैलिड, ठीक है. तो ये वाली चीज जो है इनवैलिड है, ये वाली चीज वैलिड है, ठीक है. और इसके अंदर अगर मैं यहाँ ऐसे भी लिख दूँ ना n अंडरस्कोर नम और अंडरस्कोर नम इक्वल टू ऐसे, ठीक है, तो कुछ भी लिखूँ, लाइक इसमें डबल कोट, लेट मी से मैंने 24 को डबल कोट में लिख दिया, तो ये भी वैलिड है, ठीक है. सो लाइक इट इज ऑल्सो वैलिड. लाइक अब मैं पहले वाले नंबर की बात कर लूँ, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1 नम इक्वल टू कुछ, तो ये इनवैलिड चीज़ है, ठीक है. सो इट इज नॉट अ वैलिड थिंग. अगर मैं लिखता हूँ नम 2 या नम 3 या फिर ऐसे लिखता हूँ नम ऐसे करें कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, तो ये सब चीज़ वैलिड है, ठीक है, इनमें कोई इश्यूज नहीं है, ये सब वैलिड है. सो लेट्स से दीज आर वैलिड थिंग्स, ओके. सो ये दो मेन रूल है. और एक रूल और होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग, लाइक वो रूल कोई ऐसा रूल नहीं है, वो ये है कि कैपिटल एन यू एम एंड स्मॉल एन यू एम या फिर एन यू एम ये सारे ना अलग वेरिएबल्स ट्रीट किए जाएंगे. दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. लाइक इफ यू आर नम इक्वल टू 10 इज डिफरेंट थिंग, नम इक्वल टू 914 इज डिफरेंट थिंग, एंड एन यू ऐसा करके इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. सो ये कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के जो हमें पता होने चाहिए. सो आई थिंक अंटिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर. लाइक ये तीन रूल याद रखने हैं, और कोई रूल होगा तो मैं बता दूंगा, मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा, ये मेन रूल ही होते हैं, ठीक है. सो ये चीज़ है, ठीक है. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है. ये हो गया हमारा वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है. अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स को तुम एक ही चीज़ रेफर कर सकते हो एक टाइप से, क्योंकि लाइक हाँ वो एक ही चीज़ रेफर कर सकते हो तुम, ठीक है. तो आइडेंटिफायर्स को हटा देता हूँ मैं यहाँ से. अब बात आती है रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं. तो अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है या सी प्लस प्लस पढ़ी है, पाइथन पढ़ी है, तो आपने हमें पक्का फॉर लूप तो पक्का पढ़ा होगा, ठीक है. तो फॉर जो ऐसा फॉर जो वर्ड है ना, इट्स अ रिजर्व कीवर्ड. लाइक तुम फॉर इक्वल टू 10 नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि अगर तुम फॉर इक्वल टू 10 दोगे तो जो फॉर लूप का सिंटेक्स है वो ब्रेक हो जाएगा. तो सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है कि एक रूल, सेट ऑफ रूल्स के हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कैसे यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. सो फॉर इज अ रूल, ठीक है. तो सॉरी, फॉर इज अ स्पेशल कीवर्ड, लाइक रिजर्व कीवर्ड्स. सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं. तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी फॉर नाम का एक कोड होता है, ठीक है. भैया विपुल, मिस्टर पॉल को आपकी आवाज ही नहीं आ रही. भाई ये तो उसका इशू है ना, फिर पता करो क्या हुआ, इंटरनेट इशू है क्या उसका.
ये होता है अपना फॉर लूप, सिंपल सी बात है। तो हम जो भी रिजर्व कीवर्ड्स है उनको नहीं कर सकते, उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, और एज अ हम लाइक उनके नाम का फंक्शन भी बना नहीं सकते है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड्स, अगर मैं नेट पर सर्च करूंगा लाइक हर लैंग्वेज के होते हैं, तो जैसे मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड्स, तो इसके अंदर लिस्ट खुल के आ गई। तो वी कैन नॉट यूज दीज 30 to 34 वर्ड्स, ठीक है। इन सब नाम से हम कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते, कोई भी फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि ये है रिजर्व कीवर्ड्स, ठीक है। इनका एक स्पेशल मीनिंग है लैंग्वेज के अंदर। सो ऐसे ही लाइक मैथ, आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है थोड़ी सी, तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि मैथ का फंक्शन होता है फ्लोर फंक्शन होता है, और भी फंक्शन होते हैं कुछ, ठीक है। एक फ्लोर फंक्शन होता है और एक और होता है उसका उल्टा कोई होता है, ठीक है, वो होता है। और पावर वाला फंक्शन होता है POW नाम का। तो ये फंक्शंस इनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। तो ये फंक्शंस हमारे वर्क इजी करने के लिए होता है, ठीक है। सील नाम का फंक्शन होता है वो, सही कह रहे हो। सो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे बिल्ट इन फंक्शन हो गए अपने POW नाम का फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शंस हो गए नॉर्मल फंक्शंस। फंक्शंस का काम क्या होता है? फंक्शन मतलब कोई फंक्शन, कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है वो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैं किसी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ वंश नाम का, सो दैट पर्टिकुलर वंश नाम का फंक्शन इज डूइंग सम वर्क फॉर मी, ठीक है। इट विल बी डूइंग सम वर्क एंड यू नो गिविंग मी समथिंग बैक, तो रिटर्न में मुझे कुछ दे रहा होगा, ठीक है। तो इस बात में मैं आऊंगा अभी, फंक्शन हम आज पढ़ेंगे। और जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन भी होते हैं, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस, बहुत तरह की चीज होती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। लाइक जावास्क्रिप्ट इज वेरी वास्ट टॉपिक। सो डेटा टाइप क्या होते हैं अब, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि लाइक जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स इक्वल टू 10 और एक्स इक्वल टू डबल कोट्स में 10, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो इन दिस केस दिस पर्टिकुलर एक्स जो है ना, एक्स का टाइप क्या है? एक्स का टाइप है इंटीजर इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि 10 को हमने सिंपल रखा नंबर है, ठीक है। हमें लिखता हूँ 10.6, तो इसका टाइप है फ्लोट। और अगर मैं तो 10.667 ऐसा कुछ, उसका टाइप है डबल, ठीक है। तो डबल में क्या होता है कि आप 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर लिखते कोई वैल्यू, तो वो डबल बन जाती है। एक टाइप है, नाम दे दिया है। जैसे कि इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलेंगे? डेसिमल। और प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे? फ्लोट। यही बात है। अब सिंपल 10 को मैथ में भी इंटीजर बोलते हैं, इसमें भी इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अब जितने भी अल्फाबेटिकल चाहिए होते हैं, लाइक अल्फाबेटिकल ओनली एंड अल्फाबेटिकल प्लस नंबर, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। लाइक कोई भी चीज जिसमें अल्फाबेट्स आ जाए, या फिर अल्फाबेट्स प्लस नंबर आ जाए, या अकेले नंबर भी आ जाए, उसको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। इट शुड बी अ वैल्यू, ठीक है, जिसके तुम कुछ कंप्यूट नहीं कर सकते हो। कंप्यूट मतलब जिसमें तुम मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते ऐसे डायरेक्टली। जैसे कि 10 है, ये एक वैल्यू है। अगर मैं A10 लिखता हूँ, तो ये एक स्ट्रिंग प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सिंगल 10 भी एक स्ट्रिंग ही है, ठीक है। लाइक ये भी एक स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। जो भी चीज डबल कोट में डाल देना, वो एक स्ट्रिंग हो गई। ये समझ लो कि वो एक स्टेटमेंट हो गई जिसको हम क्या कह सकते हैं यार, मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं बाद में, ठीक है। लाइक उसके ऊपर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लाइक इट जस्ट अ डेटा सेट। लाइक आपके पास कोई आंसर है, आपका कोई आंसर है, ठीक है, कोई क्वेश्चन का आंसर आपके पास, ठीक है। लेट्स से आपने कोई टेस्ट दिया, उसका कोई आंसर है, तो उसके जो भी बहुत लंबी सी वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। उसमें नंबर भी हो सकता है, सिर्फ उसमें कुछ भी हो सकता है। इट्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कोई लंबी स्टेटमेंट स्टोर करनी, कोई भी टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, तो उसको स्ट्रिंग में डाल दो, ठीक है। सो एक स्ट्रिंग होता है। अब और होता है, लाइक क्या क्या होते हैं मैं बता दूं। इंटीजर होता है, ठीक है, स्ट्रिंग होता है, और बुलियन होता है, ठीक है। और भी होते हैं, एरे होता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में और क्या होता है? और शायद मेरे हिसाब से यही होता है मेनली, बेसिकली। और कोई होता होगा देख लेंगे, ठीक है, जो इनपे हमें यूज पड़ता है, ठीक है। तो इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन, ठीक है। अब बुलियन क्या है? बुलियन क्या होता है? बुलियन का मतलब होता है कि सिंपल से भाषा में इसको बोलूं मैं, तो इसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा डेटा है हमारे पास, लेट्स से कि हम पूछ रहे हो किसी जगह पे एज के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम्हारी एज क्या है। लाइक हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि अगर एज 18 से ऊपर हो तो ऐसा हो, 18 से कम हो तो ऐसा हो। तो इस केस में दो ही कंडीशन बन सकती है, यहाँ तो ऊपर होगी 18 से या नीचे होगी। तो उस केस में हम इस तरह का डेटा यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो, 0 और 1, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन इज अ टाइप ऑफ डेटा जिसमें लाइक यहाँ तो कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अभी कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का तरीका भी लाइक कैसे दिखता है ये। जैसे कि लेट्स से x इक्वल टू ट्रू, y इक्वल टू ऐसे करके, ठीक है। तो इस केस में ये चीज होती है कि ट्रू का t कैपिटल होता है और f का, फॉल्स का f कैपिटल होता है। तो ट्रू और फॉल्स भी एक स्पेशल कीवर्ड होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पता नहीं लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक, ये लिखा हुआ है, लिखा है ट्रू लिखा है और फॉल्स भी होगा इसमें मेरे हिसाब से, तो फॉल्स भी, ठीक है। अब ये पाइथन में तो टी बड़ा होता है, इसमें छोटा लिखा, तो मे बी इसमें छोटा होता हो एफ और टी, ठीक है। वो हम चेक कर लेंगे अभी, कोई इशू नहीं है इस बात का भी। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो लाइक ट्रू और फॉल्स ही होता है बुलियन का मतलब। और अब बात कर लेते हैं एरे की। तो एरे बहुतों को समझ में आता ही नहीं शुरुआत में, तो बहुत सिंपल चीज है एरे, मैं तुम्हें बताऊं। तो एरे का इतना मतलब है, अगर तुम सेम टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, सेम टाइप का डेटा मतलब कि
सपोज तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर्स है, तुम बहुत सारे नंबर स्टोर करना चाहते हो तो यू विल स्टोर इट एन एरे, ठीक है। अगर तुम्हारे बहुत सारे नेम्स है तुम वो सारे नेम्स एक एरे में स्टोर कर दो, लाइक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम एरे यूज करते हैं, ठीक है, नेम वन नेम टू। अब ये होता क्या है, ये क्या ब्रैकेट क्या है भैया, ये समझ में नहीं आया तो ये समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन यू कैन से, सब समझ जाएंगे अभी करते करते। तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है, हमने ये बेसिक्स तो कर लिए। ऑपरेटर्स मैं बता देता हूँ आपको, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं हमारे प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलस ऑपरेटर, इसको मतलब मॉडुलस ऑपरेटर जो रिमाइंडर निकाल के देता है हमें, और कौन सा ऑपरेटर होता है अपना, ये पावर वाला होता है लेकिन ये यूज नहीं होता, इसको हम बिटवाइज ऑपरेटर भी कहते हैं मेरे हिसाब से। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो जितने भी फ्रेशर्स है अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो, सो वी कैन प्रोसीड टू द रियल थिंग अहेड। तो माइक ऑन, माइक अनम्यूट करके बोलो यार, किसी को समझ में आया तो लाइक जो भी फ्रेशर्स है। ओपन गंगनम स्टार, गंगनम स्टार, ये कौन है भाई, एक्स जिन पिंग ब्रो, व्हाट अबाउट कांस्टेंट एंड वेयर वेयर कीवर्ड्स, वो तो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना, अभी बताऊंगा वो मैं। So these are just programming basics. Yeah, yeah. मैं तो अभी प्रोग्रामिंग बेसिक पढ़ा रहा था, अभी स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। आई थिंक सबको आ ही गया होगा। सो नाउ वी गोना स्टार्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी बात और बोलना चाहता हूँ, लाइक अब हम जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ने जा रहे थे, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है इट्स अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है, लाइक इट्स अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यू कैन से। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर ये होता है, ठीक है। तो अभी जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लाइक एक तो ये इंटरप्रेटर जैसी है, जैसे कि लाइन में लाइन चलेगी, जैसे कि वेयर एक्स इक्वल टू 10 हो गया, फिर मतलब कि कोई सपोज ये स्टेटमेंट 1, 2, 3 लिखी है, ठीक है। सो इट्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लाइक पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, यहाँ एरर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाली भी एग्जीक्यूट हो जाती है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। सो देखते हैं, तो जावास्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड का मतलब ये है कि ये एक्चुअल में वेबसाइट्स के साथ होती है, वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। अब आपने एचटीएमएल तो पढ़ी होगी, ठीक है, सबने पढ़ी होती है 9th-10th में। सो लेट मी डू वन थिंग, लाइक लेट मी क्रिएट अ फोल्डर ओवर हेयर, ठीक है। इस फोल्डर का नाम रखता हूँ जावास्क्रिप्ट, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। लेट से मैंने फाइल बनाई index.html, ठीक है, मैंने ये फाइल बनाई और इस फाइल का मैंने नोटपैड प्लस प्लस में खोल लिया, लेट्स से वीएस कोड में खोल लिया, ठीक है। सो मैंने अभी एक सिंपल सी फाइल बनाई है जिसका नाम है index.html, ठीक है, जो सिंपल जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल फाइल जैसे बनती है वैसे बना दी। अब मैं इसमें एक सिंपल सा कोड डाल देता हूँ एचटीएमएल का, जो कि ये मेरे को ऑटोमेटिकली दे देगा वीएस कोड, मैं वही डाल रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बेसिक कोड जिसमें हेडिंग वगैरह होती है अभी तक तो आया नहीं। Let me save it first. So, ये कोड आ गया, ठीक है, इसमें मैंने टाइटल डाल दिया जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। सो ये जावास्क्रिप्ट लाइक एचटीएमएल सबको आती ही है, मैंने बोला भी था एचटीएमएल की वीडियो देख के आना। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख दी है जिसका नाम है हेलो वंश, ठीक है, या वेलकम टू इनविक्टस टेक्निकल कम्युनिटी। जैसे कि मैं इस पर होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि जब ये पेज लोड हो तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ये चेंज होता रहे हर 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद, ठीक है। आई वांट सम इंटरेक्शन इन दिस पर्टिकुलर पेज, या फिर मैं चाहता हूँ ऐसे में यहाँ पे कम्युनिटी वाले वर्ड पे जाऊँ, वैसे यहाँ नीचे से पॉपअप निकल के आए और बोले कि कुछ भी बोले, लाइक डोंट बी स्मार्ट ओवर स्मार्ट, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इंटरेक्टिविटी दिखाना चाहता हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा, ठीक है। और वो जो कोड होगा ना जावास्क्रिप्ट का, वो मेरे लाइक जावास्क्रिप्ट का कोड, क्योंकि क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड का मतलब क्या है कि वो कोड इस वेब पेज पर लोड होगा इस पेज के साथ। जैसे पेज लोड हुआ तो अगर मैं कंट्रोल यू दबाता हूँ, कंट्रोल यू से क्या होता है, हम सोर्स कोड देख सकते हैं, या फिर मैं करता हूँ राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, तो ये पेज सोर्स दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इसमें जो मैंने कोड लिखा था वो यहाँ दिख रहा है। तो इन दिस केस अगर मैंने जावास्क्रिप्ट भी लिखी होती, ठीक है, लाइक जावास्क्रिप्ट कोई फाइल अटैच की होती है, लिखी होती है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ,
तो वो भी यहाँ दिख जाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड, तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड भी विजिबल होती है, तो कोड भी विजिबल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट रन कैसे होती है, लाइक कहाँ रन होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्रोम के अंदर V8 इंजन होता है, वहाँ रन होती है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल में बताऊँ तुम्हें, तो जनरली हम जावास्क्रिप्ट को कंसोल में रन कर सकते हैं। अगर आप जाओगे अपने क्रोम पे, राइट क्लिक करोगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यू विल सी अ विंडो नोन एज कंसोल ओवर हियर, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, लेट मी एक्सपेंड इट, ठीक है। तो ये कंसोल है, ठीक है, देख लो यहाँ पे एक ब्लिंकिंग कर्सर आ रहा है, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ टाइप करते हैं, यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम जावास्क्रिप्ट को एक्चुअल में करते टाइप यहाँ है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, लाइक लेट्स से हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं, जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग बनाया, तो जो भी जावास्क्रिप्ट है वो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आती है, ठीक है। अभी स्क्रिप्ट टैग कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रख दो, हेड बॉडी के अंदर रख दो, लाइक पूरे डॉक्यूमेंट में ये स्क्रिप्ट टैग कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी जावास्क्रिप्ट आप लिखोगे वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होती है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर मैंने कोई जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखी, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट एट द एंड एग्जीक्यूट होती है और इस कंसोल में उसका आउटपुट दिखता है। सपोज अगर मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ तो वो कंसोल में प्रिंट होगा, ठीक है। इस जगह पे हम उसको आउटपुट देख सकते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट क्या क्या फंक्शन कर रहा है। इट्स अ वेरी यू नो यूजफुल थिंग। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कैसे करते हैं कुछ, ठीक है। लाइक हेलो वर्ल्ड जैसे हम सब लोग बनाते हैं ना, जावास्क्रिप्ट में कैसे प्रिंट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आता है जिसका नाम है console.log, ठीक है, console.log। तो ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन की भी एक चीज मैंने तुम्हें बताना भूल गया। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ फंक्शंस की, सो फंक्शंस कोई भी चीज जिसका नाम, लाइक उसका कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी चीज अगर उसके आगे ऐसे दो ब्रैकेट लगे हुए, लेट्स से ABCD, ठीक है, कुछ भी हो ऐसा। सो मैं वैसे मीटिंग पे लॉक कर लूँ, एक सेकेंड, बार बार लोग आए जा रहे हैं। या सो जैसे ABCD नाम का मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। सो इन दिस केस ABCD नाम का फंक्शन है, इसमें दो ब्रैकेट लगे हुए स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। सो कोई भी चीज जो कोई भी वेरिएबल का नाम हो आगे, ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम हो उसके आगे अगर दो ब्रैकेट लगे तो इट इज अ फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अ फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब ये डॉट लॉग लगा हुआ है तो जो जावास्क्रिप्ट थोड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में बनी है, सो इसलिए कंसोल एक क्लास है। अगर मैं तुम्हें टेक्निकल में बताऊँ तो कंसोल इज अ क्लास, लॉग इज अ फंक्शन, ठीक है। सो हमें उससे मतलब नहीं है अभी, बस हमें इतना जानना है console.log एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं, लाइक टू प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल, प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल, ठीक है। कंसोल क्या होता है, कंसोल मींस टर्मिनल टाइप थिंग, ठीक है। सो console.log एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कोई भी फंक्शन होता है उसके अंदर हम कुछ डालते हैं वैल्यू, उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो अगर मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, लेट्स से ASDE कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे लेट्स मैंने x लिखा, तो x इज आर्ग्यूमेंट इज फंक्शन, ठीक है। अब मैंने सिंपल x लिखा है तो मैंने ऊपर बताया था तुम्हें, अगर मैं सिंपल x लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो इन दिस केस x इज अ वेरिएबल, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ना डबल कोट्स के अंदर x, सो इट इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट, बट दिस टाइम x इज अ वैल्यू, ठीक है। तो मैं एक कंसोल डॉट लॉग क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टेक्निकल वे में कि कंसोल डॉट लॉग को मैं एक्चुअल में एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात बोली जाएगी। और अगर मैं सिंपल x लिख रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि कंसोल डॉट लॉग फंक्शन को मैं एक x वेरिएबल पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये प्रिंट करता है कंसोल में कुछ। सो लेट अस ट्राई दिस। सो मैं console.log खोला और ये दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से, अब मैंने बड़ा कर दिया है। सो console.log और मैं इसमें अगर लिखता हूँ ना, जैसे कि लेट से मैंने वंश लिखा, तो इट इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, आई थिंक इट इज, एक सेकेंड, console.log ही तो होता है, चला क्यों नहीं है, एक सेकंड रुको, मैं स्पैरिंग लास्ट में सेमीकोलन लगा के देखो। नहीं भाई चलता यार, मैं चलाता नहीं कुछ, मे बी ऐसा हो कुछ सेमीकोलन वाला, यही होता है यार, console.log ही होता है, console.log। और एक सेकंड, एक काम करते हैं ना, मेरे इसमें कुकीज तो होगी, तो console.log document.cookie कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है मेरे में, तो एक सेकेंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, या लेट्स से आज ही बंद होना था ये फंक्शन। आई विल ओपन अप इट इन, यू नो, ये वेटिंग रूम में कौन है यार, रुको एडमिट करूँ मैं सबको।
कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे क्रोम के अंदर. लेट मी ओपन लेट्स से फायरफॉक्स. चल रहा है ये, चल रहा है कोड. हाँ मतलब मेरे में नहीं चल रहा है, मैं वही कह रहा हूँ. मेरे को तो पता ही है वो सही कोड है. मैं नहीं तो लाइक फायरफॉक्स चला लूंगा ना, तो मे भी कोई इशू आ रहा हो. मैंने कल कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली थी, मे भी इस चक्कर में हो रहा हो, देखता हूँ. है नहीं वैसे ऐसा कुछ, फायरफॉक्स चल जाएगा. सो हर ब्राउजर में इंस्पेक्ट एलिमेंट करने पे कंसोल खुल जाएगा. तो कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं लिखता हूँ हेलो, या अब हो रहा है. सो दिख रहा है, ये दिख ही रहा होगा, आपने बहुत बड़ा कर दिया. ठीक है, सो ठीक है. तो कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट टाइप करते हैं, लाइक कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैं अपना डॉक्यूमेंट इसमें खोल लेता हूँ फायरफॉक्स के अंदर. उसके लिए मुझे अपनी प्रॉक्सी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ये बॉक्स से कनेक्टेड है. जस्ट अ सेकंड. और सेटिंग्स, नो प्रॉक्सी, ओके. एंड नाउ आई विल ओपन अप माय एचटीएमएल कोड ओवर हियर. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये मेरे पास कोड है मेरा, और मैंने ये नीचे कॉन्सोल खोल लिया है ऐसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके. ठीक है, तो ये कॉन्सोल है, इसको मैंने बड़ा भी कर दिया. ठीक है, सो लाइक वी आर गोइंग टू प्रिंट समथिंग ऑन द कॉन्सोल. हम कैसे करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग, उसमें हम वेरिएबल डालेंगे तो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, और वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी. जैसे मैं लिखा हेलो वंश, तो हेलो वंश नाउ वैल्यू प्रिंट होगा. ठीक है, नाउ इन जावास्क्रिप्ट वी हैव थ्री वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल. ठीक है, लाइक एक्चुअल में टू वेज है, टू वेज बताता हूँ मैं. ठीक है, वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करते हैं, पहली बात तो ये. तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है वेर, एक होता है लेट. ठीक है, तो वेर वर्सेस लेट में अंतर होता है कुछ, जो कि हम अभी देखेंगे. तो वेर होता है ग्लोबली स्कोप, और लेट होता है, लेट भी ग्लोबली स्कोप होता है, नहीं लेट होता है ब्लॉक स्कोप. ठीक है, तो वेर होता है ग्लोबली स्कोप, ग्लोबली स्कोप का मतलब अभी समझेंगे हम. ठीक है, और लेट होता है ब्लॉक स्कोप. ठीक है, तो ये PUBG वाला स्कोप नहीं है, ये दूसरा स्कोप है. ठीक है, स्कोप का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये है तुम्हारे ब्रैकेट, ये एक एरिया है. ठीक है, ये एक पूरा एरिया है ब्लू वाला, जैसे कि हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं. तो ये समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरिया है, जैसे कि इसमें कुछ वर्ड लिखे पड़े हैं, तो इट इज अ एरिया जो ब्लू ब्लू, ये पूरा एरिया है. ठीक है, तो अगर मैं कोई वेरिएबल लिखता हूँ इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसके बाहर भी अगर मैं कोई वेरिएबल लिखता हूँ, ठीक है, लेट्स से एक्स, मेरा जो वेरिएबल मैंने उसको वेर टाइप से बनाया है. ठीक है, वेर एक टाइप का टाइप है, यू कैन से. तो मैंने वेर टाइप से इसको बनाया है, इस वेरिएबल को. ठीक है, एक्स जो है वो वेर टाइप का है, तो इट्स अ ग्लोबल स्कोप, यानी कि इसको मैं इस ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकता हूँ और इस ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकता हूँ. ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ लेट कीवर्ड, लाइक ये लेट है. ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट बनाता हूँ, लाइक ये एक्स अब लेट टाइप का सपोज, और इसको मैंने अंदर बनाया इसके अंदर. ठीक है, लाइक एक्स इक्वल टू 10, तो इस x equal 10 की वैल्यू को मैं इस ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकता हूँ. तो इसलिए हम कहते हैं let is a block scope variable and where is a globally scoped variable. Like जो भी where से हम बनाते हैं. अब where और let क्या है, ये keywords है. ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अभी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा. अब मैं बताता हूँ, let से मैं लिखा where x equal to 10, तो मैं एक x नंबर वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि where टाइप का है. where क्या है, एक डेटा टाइप है JavaScript के अंदर. ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे स्पेसिफिकली नहीं लिखते हैं कि 10 इंटीजर है, तो वेर इज अ कीवर्ड, यू कैन से नॉट डेटा टाइप, वेर इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट अ एक्स वेरिएबल ग्लोबली स्कोप. ठीक है, तो हम इस टाइम वेर एक्स इक्वल 10 का मतलब क्या है कि हम एक्स एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 है, जो कि ग्लोबली स्कोप है. ठीक है, अब मैंने इसे ऐसे एंटर मारा, तो एक्स के अंदर 10 की वैल्यू स्टोर हो गई. अब मैं 10 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉन्सोल डॉट लॉग और एक्स, क्योंकि इस केस में मैंने एक्स लिखा, एंटर मारा, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया. अब लेट से मैंने चलाकी करी वाई लिख दिया. ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि वाई इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये है कि वाई डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वाई हमने डिफाइन किया ही नहीं कहीं पे. ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि एरर देगा. तो अगर मैं लिखता हूँ वाई को डबल कोट के अंदर, नाउ इट्स अ वैल्यू, सो नाउ इट विल रन. ठीक है, तो ये प्रिंट कर पा रहा है वाई. ठीक है, सो अब तक तो मैं ये पता चल जाना चाहिए कि वेरिएबल और वैल्यू में क्या अंतर होता है, लाइक स्ट्रिंग और इंटीजर में भी क्या अंतर होता है, ये पता चल जाना चाहिए. ठीक है, सो नाउ लेट अस डू, लाइक अगर मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ, तो क्लियर नाम का एक फंक्शन आता है, क्लियर करा पूरे टर्मिनल क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सोल लॉग वाला. ठीक है, अब जैसे मैंने सेम चीज यहाँ लिखी ना, लाइक मैंने क्या करा, अभी मैं दोबारा करता हूँ, वेर एक नंबर ले लिया इक्वल टू एक्स,
इक्वल टू 10 ठीक है, और फिर मैंने लिख लिया वेयर नम टू इक्वल टू 20. तो मैंने दो नंबर ले लिए. लेट मी डू वन थिंग, लेट मी प्रिंट वन थिंग फर्स्ट. कॉन्सोल डॉट लॉग 10 ठीक है, सॉरी 10 लिख रहा हूँ नम, और 10 प्रिंट हो गया. अब मैं लिखूंगा कॉन्सोल डॉट लॉग नम टू ठीक है, तो अब 20 प्रिंट हो गया. अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ लाइक ये तो मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या यूज है भैया, ये क्यों कर रहे हैं हम ठीक है. ये बात भी आपको सही है, हम क्यों कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, हम ये क्यों कर रहे हैं. तो अब मैं तुम्हें बताऊं, अब एक चीज लिखूंगा मैं कॉन्सोल डॉट लॉग ठीक है, अब मैं लिखूंगा नम प्लस नम टू ठीक है. तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ही सम कर दिया. लाइक मैं लिखा नम प्लस नम टू. अब जो भी चीज होती है ना, लाइक ये आर्ग्यूमेंट है ठीक है, अब यहाँ ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इनकी कुछ प्रेसिडेंस होती है. प्रेसिडेंस मतलब कौन सी चीज को पहले, कौन सी ऑपरेशन को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी ठीक है. तो ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने एक वैल्यू लिखी है ठीक है. तो ये इसके अंदर ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, तो जो जहाँ पे भी ऑपरेटर्स लगे होते हैं ना, पहले वैल्यू रिजोल्व होगी एक चीज के अंदर रिजोल्व. ये किसमें रिजोल्व होगी, जी 10 प्लस 20 करने की कोशिश करेगा और हो जाएगी ठीक है. जो भी वैल्यू होगी ना इन दोनों की, प्लस 10 प्लस 20 30 होगी. तो अब एक्चुअल में 30 पास होगा इसके अंदर एट द बैक एंड, जो बता रहा हूँ मैं ठीक है. मैंने एंटर करा तभी 30 आ गया यहाँ पर लिखा हुआ. तो मैंने एक्चुअल में दो चीजों का सम कर दिया ठीक है. सो नाउ आई वॉन्ट कि ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो, ये तो मैं खुद टाइप कर रहा हूँ. अब जावास्क्रिप्ट हम एचटीएमएल में लिखते हैं ठीक है. तो लेट्स डू वन थिंग, मैंने ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट खोला, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि हम देख पाए. सो आई थिंक नाउ इट्स, एक सेकंड रुको ठीक है. सो आई थिंक इट इज नाउ विजिबल. विजिबल है ना सबको ये कोड, विजिबल है विजिबल. तो हमने जैसे यहाँ पे, जैसे कि हमने वहां पे कमांड लिखे थे, हम यहाँ पे लिखेंगे. हमने पहला लिखा वेयर एक्स इक्वल टू 10, फिर लिखा हमने वेयर वाई इक्वल टू 20 ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट में कहते हैं कि हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए एट द एंड, लेकिन इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग ठीक है. लेकिन लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि लगाना चाहिए ठीक है. नहीं लगाओ तब भी चल जाता है कोड. तो आजकल के ब्राउजर्स का भी स्मार्ट होगा इसलिए ठीक है. तो मैंने लिखा वेयर एक्स इक्वल टू 10, वेयर वाई इक्वल टू 20 ठीक है. अब मैं लिखा हूँ यहाँ पे सपोज, लेट्स से मैं लिखा कि वेयर सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है. तो हम एक चीज देखो, अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ और पेज रिफ्रेश करता हूँ ना ठीक है. लेट्स मी गो टू दिस पर्टिकुलर पेज एंड रिफ्रेश इट. तो यहाँ कॉन्सोल में कुछ आया ही नहीं. तो तुम तो बोल रहे हो कि यार ये क्या बात हुई कि हमने जावास्क्रिप्ट लिख भी दी और एग्जीक्यूट भी नहीं हुई वो. तो एक्चुअल में वो जो हमने जावास्क्रिप्ट लिखी, अगर मैं कंट्रोल यू दबाता हूँ तो यू कैन सी हमने यहाँ जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है ठीक है. ये वेयर एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल 20, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है. तो एक्चुअल में ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट तो हुई, लेकिन हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया, तो हमें दिखेगा कहाँ पे ठीक है. तो हमें आउटपुट देखना है. तो आउटपुट यहाँ तो हम यहाँ दिखा सकते हैं पेज पे ठीक है. उसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक अलग ही कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन ठीक है. क्योंकि ये जो पूरा हमारा वेब पेज है ये डॉक्यूमेंट है ठीक है. दूसरी चीज होती है कि हम उसको कॉन्सोल प्रिंट कर देख सकते हैं टेम्परेरी कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है एक्चुअल में यहाँ दिखाने से पहले ठीक है. वाइल लर्निंग द जावास्क्रिप्ट या फिर वाइल मेकिंग योर कोड ठीक है. सो अब मैंने सपोज कॉन्सोल डॉट लॉग लिखा यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया सम. तो क्या हो रहा है, पहले मैंने x के अंदर 10 वैल्यू दी, y के अंदर 20 वैल्यू दी, तो मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने x प्लस y इन दोनों का सम दे दिया कि इन दोनों का सम हो और इसमें स्टोर हो जाए ठीक है. फिर मैंने सम को प्रिंट कर दिया. अब मैं देखो क्या करता हूँ, अब मैं सपोज जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को. तो तुम देखोगे यहाँ पे कॉन्सोल में क्या लिखा आ रहा है, 30. सो वी नो कि आर जावास्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटिंग अंटिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अंटिल दिस पर्टिकुलर लाइन आर जावास्क्रिप्ट कोड इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग. समझे मैंने क्या किया अभी. Any doubts till this point कि JavaScript execute कैसे हुई ब्राउजर के अंदर, पूछ लो भाई किसी को डाउट है. कोई डाउट नहीं ठीक है. तो यहाँ तक सब क्लियर है ठीक है. सो हमने अभी एक वेरिएबल बनाया, सम करा और प्रिंट कर दिया. बहुत सिंपल, कुछ खास नहीं है ठीक है. नाउ लाइक आई वॉन्ट टू लाइक, अब बात ये भी है कि हम फॉर लूप क्यों पढ़ेंगे JavaScript में ठीक है. तो लेट्स डू इट फर्स्ट देन आई विल टेल यू ठीक है. तो अब हमने ऐसे वेयर सीख लिया ठीक है, वेयर से बनाया हमने. अगर मैं इसको लेट भी कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है. क्योंकि एक्चुअल में हम कहाँ पर, अभी हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर है. तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम राइट से बात है, जावास्क्रिप्ट यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ खत्म कर देंगे ठीक है. हमने यहाँ पे नहीं ऐसे कोई ब्रैकेट नहीं रख के कुछ नहीं रखा ठीक है. तो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर कोड को जो मैंने लिखा है इस ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ, ऐसे दो ब्रैकेट बना के इसमें लिख सकता हूँ ठीक है. तो नाउ मैंने एक ब्रैकेट में इस कोड को लिख दिया है. नाउ आई विल गो एंड रिफ्रेश, तो ये चलेगा. तो मैंने बस एक ब्लॉक दे दिया, मैंने बोला कि इस ब्लॉक में मेरा कोड जो है वो करता है सम,
नीचे वाला ब्लॉक में मेरा कोड जो है वो करता है डिवाइड ऐसा, ठीक है, ऐसा मैंने बोला तो मैं बैकेंड दे सकता हूँ, कोई फलक चक्कर नहीं है। लेकिन इस केस में जब मैंने बैकेंड दे दिया ना, तो इसका मतलब ये बन गया कि मैंने इसको पार्टीशन में बांट दिया, इस पर्टिकुलर पूरे स्क्रिप्ट ब्लॉक को पार्टीशन, कुछ पार्टीशन में बांट दिया, लाइक पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन, ठीक है। सो इसी केस में लाइक जब ब्रैकेट्स यूज करते हैं, अगर हमने लेट कीवर्ड यूज किया तो हम ये सम वाली वैल्यू इस ब्रैकेट के बाहर यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मैं इसको वेर को लेट भी लिख दूँ ना अभी, जैसे मैं लेट लिख दिया, यहाँ भी लेट लिख दिया मैंने, और मैंने सब सेव कर दिया और रिफ्रेश करा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब भी सब कुछ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस सपोज कि मैंने इसको ब्रैकेट दे दिया, ऐसे मैंने ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो सम वैल्यू आई है ना, मैं बाहर प्रिंट करना चाहता हूँ दोबारा, ठीक है, लाइक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, या फिर मैं नीचे यूज करना चाहता हूँ, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया लेट ए, लेट नहीं, वंश इक्वल टू वंश, वेर वंश इक्वल टू 40, और जो ऊपर सम आया ना मैं चाहता हूँ उसमें ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, करूंगा वेर एक्स वेर न्यू लाइक नम, लाइक एक नया नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ सम प्लस वंश, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ नम को, पता नहीं ये प्रिंट होगा नहीं होगा, लेट्स सी एरर ना आ जाए, या फिर हो, मे बी हो भी सकता है, नम सम प्लस वंश, तो इस ब्लॉक में है ये, ब्लॉक का मतलब ऐसे रेफरेंस फंक्शन से होता है, तो या सभी क्या कह रहा है, सम इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है सम इज नॉट डिफाइंड, पर एक्चुअल में क्या हुआ है, सम तो डिफाइन कर रखा है हमने ऊपर, दिख रहा है ना सबको, हेलो दिख रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि लेट x इक्वल टू 10, लेट x इक्वल टू y, क्योंकि सम का जो टाइप है लाइक सम को हमने किस कीवर्ड से प्रेसिड किया है, लेट कीवर्ड से, ठीक है, तो ये लेट कीवर्ड है, तो इसका स्कोप क्या है, इस सम वेरिएबल का स्कोप है इस ब्रैकेट तक, जैसे ये कंपाइलर पहले इस लाइन को रीड करेगा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, जैसे वो इस लाइन पे पहुंचेगा ना, वो सोचेगा यार ये स्कोप तो खत्म हो गया, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, यानी कि यहाँ से मैं चालू किया था ये खत्म हो गया, तो ये सब तो खत्म हो चुका है मेमोरी से, ये मेमोरी में नहीं है अब, ठीक है, तो अब सम क्या है, अब सम तो है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम चीज को लाइक मैं सोचा कि मैं सम को वेयर बनाऊंगा, तो इसको अब मैं बाहर यूज कर सकता हूँ इन दिस पर्टिकुलर केस, लाइक ये इस ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकता हूँ, ये ब्लॉक है पार्टीशन है, ठीक है, तो अगर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक वेरिएबल के लाइफ एक पर्टिकुलर पार्टीशन तक रखनी है, तो वी विल यूज लेट, अगर वी वॉन्ट टू यू नो मेक इट ग्लोबली, लाइक वो कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ मैं, किसी भी ब्लॉक में यूज कर सकता हूँ, तो मैं वेर यूज करूंगा, ठीक है, तो ज्यादा बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। नाउ आई विल रिफ्रेश, सो नाउ इट विल वर्क, एंड ये क्या आ गया, अरे तो प्रिंट करने लग गया, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख दिया है, प्रिंट ये प्रिंट फंक्शन आपने पाइथन का यूज कर दिया प्रिंट। सो अब मैं रिफ्रेश करता हूं, तो console.log हो जाता है भाई कभी-कभी, सो console.log करा तो अब ये 70 आ गया। So this is a simple difference between where and let, कि where is a globally scoped variable and let is a block scoped, क्योंकि जिस block में वो लिखा जाएगा उसी block में scoped रहेगा। अब अगर मैं इस brackets को हटा दूं तो मैं कहीं पे भी कुछ भी लिख दूं, let लिखूं या where लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई block नहीं बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको अब let भी लिख दूंगा ना sum को, तब भी चलेगा, क्योंकि अब scope कहाँ से चालू हुआ, इसका scope यहाँ से चालू हुआ, शुरुआत से चालू हुआ और यहाँ एंड तक गया, ठीक है, like जो अभी यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये सिंपल थिंग, तो ये हो गया कि हमने वेरिएबल कैसे लिया, और अब बात करिए हम इनपुट कैसे लेंगे, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेने का सिंपल तरीका, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें प्रॉम्प्ट नाम का कीवर्ड यूज होता है, तो जैसे कि हमने लिखा वेर एक्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है, और लिख दिया, और इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया, सो नाउ इट विल आस्क मी फॉर अ इनपुट, ऐसा कुछ होगा, देखो मैं से इनपुट मांग रहा है, ठीक है, तो मैंने 20 एंटर कर दिया, तो इट इज अ टाइप ऑफ इनपुट, ठीक है, द प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है इनपुट लेने के लिए विद अ मैसेज लाइक एंटर एनी नंबर, सो ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, तो कुछ चीजें तो हमें याद करनी पड़ती है और बाकी सब हम सीख जाएंगे हल्के हल्के, ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग कुछ चीज पता होनी चाहिए, सिंटेक्स पता होना चाहिए लैंग्वेज का, जैसे वेर वाई इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ हमने करा एंटर एनी नंबर अगेन, ठीक है, ये कर दिया हमने, और हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया वेर console.log, ठीक है, आई लाइक मैं कम से कम वेरिएबल यूज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसलिए डायरेक्ट एफ पी वाई लिख दिया, मैं क्यों नया वेरिएबल बनाऊँ सम नाम का और उसको लिखूँ, ठीक है, तो ऐसे मैंने कर दिया, और अब मैंने रिफ्रेश किया, तो पहले कह रहा है एंटर एनी नंबर, तो 20, देखो सीरियल ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हो रही है, लाइक पहले वो हुई फिर ये हुई, पहले फर्स्ट लाइन होगी
फिर सेकंड लाइन के लिए मांग रहा है, ठीक है, तो 65 और ये आ गया 2065। अब ये ऐसा क्यों आया, पहले मैं 20 एंटर करा फिर 65 एंटर करा, अभी 2065 आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये प्रॉम्प्ट फंक्शन है इसमें जो भी हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग टाइप ले रहा है, उसका टाइप क्या हो रहा है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं उसको समझाने के लिए, तो आई विल कम टू दिस पर्टिकुलर दिस थिंग फर्स्ट, ठीक है, आई विल क्लियर दिस अप। सो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स इक्वल टू, उसकी मैंने वैल्यू दे दी वंश, ठीक है, और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया वाई, उसकी वैल्यू मैंने दे दी स्पेस देवगन, ठीक है। सो नाउ इफ आई राइट कॉन्सोल डॉट लॉग, लाइक आई एम ट्राइंग टू एड टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो अब क्या आएगा, वंश देवगन, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस जिसे मैंने बाय के अंदर, इसलिए वो स्पेस अपने ऑटोमेटिकली आ गई, वरना ये वंश देवगन जुड़ा हुआ आया था। तो हम टू स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं, उस एडिशन को हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन, ठीक है। जब हम दो अलग अलग स्ट्रिंग टाइप के डेटा को ऐड करते हैं तो उस डेटा उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे कि डू यू नो अबाउट डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन, तो कॉन्केटिनेशन इज प्रोसेस एडिंग बाय लाइक एडिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, और एडिशन क्या था, नंबर्स के बीच में होता है। सो तो हमने दो स्ट्रिंग को ऐड कर दिया या कॉन्केटिनेट कर दिया बोलेंगे टेक्निकली, अगर ऐसा बोलेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारी चीज हो गई। तो लेट्स से हमारे पास 28 पार्टिसिपेंट्स है, 35 आए थे, तो 5 लोग बोर हो गए। सो कॉन्सोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई, हमने स्ट्रिंग, अब मैं क्या कह रहा था, अब जैसे कि लेट मी चेक कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आता चेक करने के लिए टाइप, जैसे कि पाइथन में तो आता था, इससे मैं तुम्हें क्लियरली बता पाऊँ कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक डेटा टाइप, ठीक है, सो टाइप ऑफ या सो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन आता है टाइप ऑफ, जैसे कॉन्सोल डॉट लॉग है मैं लिख रहा हूँ टाइप ऑफ, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न, देखो अब कोई भी फंक्शन होता है ना, देखो तुम सोचो कि भैया क्या ही कर रहे हैं, मैं यहाँ बता दूं, जैसे कि कोई फंक्शन है, सपोज वंश नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें कोई वैल्यू दे रहा हूँ, सपोज मैं 20 वैल्यू दे रहा हूँ या फिर 10 वैल्यू दे रहा हूँ या फिर लाइक कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे वंश नाम का फंक्शन में मैंने 20 वैल्यू दी, तो दिस फंक्शन शुड रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, कुछ फंक्शन होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करते, जैसे जो सिर्फ लाइक नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन जो मेनली बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, ठीक है। रिटर्न मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है POW जो सी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। अब इसमें पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि हमें कौन सा नंबर, जिस लाइक ये 2 है, 2.2 में लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 2 की पावर 2, यानी कि 4, ठीक है। तो ये 4 क्या है, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट किस नंबर की पावर करनी है और कितनी पावर करनी है, जैसे कि 2 की पावर x या 2 की पावर y, या जैसे 2 की पावर 2 कर दी मैंने, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, पहला आर्ग्यूमेंट लेता है कौन सा नंबर, दूसरा सपोज मेरे को पता नहीं कौन सा पहले होता है, तो मैं तुमसे बता रहा हूँ कि ये नंबर, ये फंक्शन पहला आर्ग्यूमेंट लेता है कि क्या नंबर है, दूसरा लेता है कि क्या पावर है उसकी, तो इट विल बी यू नो इवेल्युएटिंग दिस एट द बैक एंड एंड देन इट विल बी गिविंग अस अ वैल्यू ऑफ 8, ठीक है। तो एक्चुअल में जहाँ पे ये फंक्शन लिखा होगा ना, हम एक्चुअल में अगर तुमने कभी ऐसे करा भी है C++, तुम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं इंट जो भी पावर आएगी, पावर ऑफ नंबर, जैसे नाम दे देंगे वेरिएबल का PW, ये वेरिएबल का नाम है, और हम लिखेंगे PW 2.3, और देन हम नीचे लिखते हैं कि COUT PW, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर यहाँ POW 2.3 है ना, तो इस फंक्शन के अंदर ये 2 की पावर 3 हुई और इसमें कोई रिटर्न किया, जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है ना, तो जो भी चीज वो रिटर्न कर रहा है वो उसके जहाँ पे फंक्शन लिखा होता है वहां पे रिप्लेस हो जाती है वैल्यू, जैसे कि POW 2.3 ने 8 रिटर्न करा, तो यहाँ पे पहले कोडिंग के अंदर क्या लिखा था, कोडिंग के अंदर पहले ये लाइन की स्टेटमेंट लिखी हुई है एक सपोज, ठीक है, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है, तो POW 2.3 पहले रन करेगा एट द बैक एंड, इवेल्युएट होगा, इवेल्युएट होने के बाद उसका जो फाइनल मोटिव है, क्या मोटिव है उसका, उसका मोटिव है रिटर्न करना वैल्यू को। तुमने 2 की पावर 3 रिटर्न करा जो कि क्या आया, 8 आया, तो उस फंक्शन के नाम वाली जगह पे वैल्यू प्लेस कर देता है, जैसे हमने 8 प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, पीडब्ल्यू की वैल्यू 8 बन जाएगी, ठीक है, और कॉन्सोल डॉट लॉग में ये लिखा हुआ पीडब्ल्यू, तो ये पीडब्ल्यू चल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख दूं, POW 2.3 ऐसे, तो क्या होगा एक्चुअल में, बताओ तो क्या होगा, लाइक अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कॉन्सोल डॉट लॉग POW एक फंक्शन है जो पावर रिटर्न करता है, इसकी पावर ये, तो क्या आएगा आउटपुट में, 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो ये तो एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है, सपोज कोई ऐसा फंक्शन है, लेट्स से कि एक फंक्शन है वंश, ठीक है, लाइक वंश नाम का एक फंक्शन, लेट्स से प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है,
मैं अभी ऐसी बात कर रहा हूँ जो लाइक जावास्क्रिप्ट किसी लैंग्वेज रिलेटेड नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करो। प्रिंट एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं जो भी चीज डालूंगा ना वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, लाइक नहीं वो, हाँ वो रिटर्न कर देगा ये। सपोज मैं इसके अंदर का वंश प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो ये रिटर्न करेगा वंश एट द बैक, ठीक है। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल नेम इक्वल टू, तो ये प्रिंट नाम का फंक्शन है, इसमें डेटा पास होता है और ये वो डेटा रिटर्न कर देता है जो हम पास करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस फंक्शन में वंश पास करा तो ये वंश रिटर्न कर देगा, यानी कि इस जगह पे वंश लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रिंट फंक्शन, अब मैं ऐसे लिखूं इस कोड को, console.log और प्रिंट लिखूं यहाँ पे और इसको ऐसे लिख दूं, तो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड हो गया ये, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है, कुछ कर नहीं रहा ये, क्या कर रहा है ये 80 प्रिंट करेगा। तो एक्चुअल में कहाँ से शुरू होगा फंक्शन, फंक्शन शुरू होगा बिल्कुल रूट लेवल से। रूट लेवल से क्या, POW 2, 3 ये इवेल्युएट होगा, ये क्या आएगा 8। अब प्रिंट का काम क्या है, जो वो वैल्यू लेता है उसी को प्रिंट कर देता है, ठीक है, उसी को लाइक रिटर्न कर देता है। कायदे में बड़ा यूजलेस फंक्शन हुआ, तो इसने प्रिंट 8 को वही रिटर्न कर दिया 8, तो अब इसमें एट द एंड क्या आया 8, तो 8 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब लेट्स से मैं कोई ऐसा फंक्शन बनाता कि डबल नाम का फंक्शन बनाता, जो एक वैल्यू, एक नंबर लेता, जो एक नंबर लेगा, जो भी नंबर लेगा ना वो उसका रिटर्न, उसका डबल रिटर्न कर देगा। 2 लिया तो 4 रिटर्न कर दिया, 4 लेगा तो 8 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं डबल और इसके अंदर मैं लिख दूं POW 2, 3 और ऐसे, तो अगर तुम इसको देखो ना गौर से क्या हो रहा है इसमें, 2, 3 क्या करेगा, 8 रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। डबल क्या करता है, डबल का काम क्या है, जो भी नंबर दोगे उसको डबल कर देगा, तो डबल ने 8 को क्या डबल किया, 16, तो यहाँ 16 आ गया और 16 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो हमें फंक्शंस के अंदर फंक्शंस यूज करना आना चाहिए, ठीक है, एट द बिगर लेवल, क्योंकि जब मैं ऐसा कोई कोड लिखता हूँ ना कॉम्प्लेक्स है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये क्या लिख दिया आपने, क्या ही कर दिया। जैसे कि मैं एक के अंदर 3-4 फंक्शन डाल देता हूँ, जैसे डबल हो गया, फिर POW 2, 3 हो गया, फिर मैं 3-4 फंक्शन डाल दूंगा, तो बच्चे कहेंगे भैया ये क्या, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा, ठीक है ये सिंपल चीज ही। अब इसको सिंपल तरीका क्या करने का, सिंपल तरीका ये है कि आप पी ऐसे ले लो, PW उसमें ये स्टोर कर लो वैल्यू पहले, फिर तुम ले लो कि एक तुमने एक फंक्शन ले लिया DW, उसको तुमने डबल के अंदर पास कर दिया ये, देखो तुम ऐसा करोगे एक्चुअल में कायदे में अगर करोगे, तो फिर तुम इस DW को यहाँ पास कर दोगे प्रिंट करने के लिए। एट द एंड क्या हो रहा है, मैंने सब चीजों को एक साथ लिख दिया। अब ये चीज है, अगर मैं सिंपल चीज को इसको करूँ तो PW की वैल्यू क्या है, ये है, तो PW पे ये डाल दिया, ठीक है, और DW की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको मैंने उठाया और मैंने अंदर डाल दिया, ठीक है। तो इट इज नोन एज लाइक, इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल्स यूज कम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फंक्शंस यूज कर रहे हैं। ये समझ में आया किसी को, ये डाउट है इसमें किसी को, ये चीज कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि फंक्शंस के अंदर फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, या हाई लेवल हो गया, मजा आ गया। तो ये वो चीज होती है, ठीक है। सो नाउ मैं समझा क्या रहा था, मैं फंक्शन में आ गया एकदम, मैं समझा रहा था, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट में जब हम कोई वैल्यू डालते हैं वो क्या रिटर्न करता है, जो हम वैल्यू डालते हैं ना वो रिटर्न होती है। सपोज एक पॉपअप आया और मैंने वैल्यू डाली 10, तो यहाँ पे 10 आया था रिप्लेस होकर, ठीक है। अब एक्चुअल में जो यहाँ पे डेटा आ रहा है ना वो क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप का आता है हमेशा, लाइक जो भी हम डालते हैं ना वो एज अ स्ट्रिंग लेता है, क्योंकि अगर वो सिर्फ नंबर लेगा तो हम कभी स्ट्रिंग डाल नहीं पाएंगे, इसलिए वो स्ट्रिंग ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ कॉन्सोल पे जाऊं और यहाँ डालूं कि प्रॉम्प्ट, जैसे कि मैं लिखा वेर एक्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने एंटर समथिंग, तो ये मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं लिख दिया 10, ठीक है। तो अब मैं console.log करता हूँ, console.log x, तो आप देखोगे यहाँ सिंपल 10 दिख रहा है, यहाँ हमें लग रहा है कि ये सिंपल इंटीजर है, ठीक है। नाउ वी कैन चेक इट, एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ, मैंने एक console.log के अंदर फंक्शन लिखा टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ क्या करेगा, टाइप ऑफ एक वेरिएबल लेता है अपने अंदर या फिर कोई वैल्यू लेता है, वो चेक करता है ये वैल्यू या फिर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, जो टाइप होता है वो रिटर्न कर देता है। अब टाइप ऑफ रिटर्न करेगा इंटीजर या स्ट्रिंग, कुछ भी रिटर्न करेगा और ये console.log उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। करा मैंने, अभी क्या दिखा रहा है, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जो 10 आ रही है ये स्ट्रिंग है। नाउ आई व्हाट आई विल डू लाइक, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए जो हमने नंबर, जैसे कि हमने जो अभी बनाया था प्रोग्राम, रिफ्रेश करता हूँ मैं, एंटर इन नंबर, मैंने 10 टाइप करा तो मैं 20 टाइप करा, तो इट इज डूइंग कॉन्कैटिनेशन, वो दो स्ट्रिंग को जोड़ रहा है, ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो 10A लिखा मैंने और 20B लिखा, तो 10A क्या है, एक स्ट्रिंग है, 20B क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो दोनों को जोड़ दिया, इसलिए सम नहीं हुआ, ठीक है।
तो अगर हम सम करवाना चाहते हैं तो हम क्या करें, तो वी नीड टू टेल दिस पर्टिकुलर क्या नाम है, हमें इस ब्राउजर को बताना पड़ेगा जो एक्स हम एंटर कर रहे हैं इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, तो जो भी लाइक आप इनपुट लोगे वो आप स्ट्रिंग में ले लो, लेकिन हमें जब हम सम कर रहे हो उसको इंटीजर बना दो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, एक टाइप से दूसरे टाइप में डेटा को बदलना। तो अभी हमारा डेटा टाइप क्या है, x, x क्या है स्ट्रिंग, सो वी वॉन्ट कि हमारा x जो टाइप है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो अगर हम x को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक फंक्शन आता है, ठीक है, या फिर y को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फंक्शन आता है। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है पार्स, ठीक है, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, और पार्स स्ट्रिंग भी होता है क्या, स्ट्रिंग नहीं होता शायद, क्योंकि पार्स इंट पार्स फ्लोट, क्योंकि हम स्ट्रिंग तो हमें पहले से मिल रहा है ना, हम इंटीजर को स्ट्रिंग कर सकते हैं, फिर स्ट्रिंग को इंटीजर कर सकते हैं ना, इंटीजर को स्ट्रिंग करने का होता होगा कुछ शायद str कुछ होता होगा मे बी, देखना पड़ेगा नेट पे, ठीक है। सो अब जैसे कि x है, ठीक है, तो अगर मैं console.log में लिखता हूँ पार्स int, ठीक है, तो पार्स int एक टाइप ऑफ फंक्शन है। अब मैं इसको बता दूँ क्या है चीज, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे तुम्हें इसको, एक्चुअली पहले हम फंक्शन को ना यूज करना सीखना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे यूज करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि मैं लिखा पार्स int, ठीक है, तो पार्स int इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, इट विल एक्सेप्ट अ वैल्यू विच कैन बी अ स्ट्रिंग एज वेल विच कैन बी इंटीजर एज वेल, ठीक है, वो ट्राई करेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और अगर कन्वर्ट हो जाएगी तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। लेट से मैंने इसमें लिखा वंश, ठीक है, तो अभी एरर देगा, सॉरी एरर नहीं दे रहा है, ये तो मेरे को आउटपुट में दे रहा है एन ए एन, एन ए एन का मतलब होता है शायद नॉट अ नंबर, ठीक है, एन ए एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। सो अगर मैं इसको देता हूँ 10, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा, देखो लिखा रहा है 10 नीचे, 10.7 दूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये पार्स इंट है, ये इंटीजर को करने के लिए, ठीक है, ये फ्लोट को करने के लिए नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ पार्स फ्लोट, और देखो इसका एक सिंटेक्स है, पार्स छोटा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैमल केस, कैमल केस टाइपिंग। वो क्या होती है, वो होती है जब भी हम कोई नया नया नेम यूज करते हैं हम वेरिएबल्स में और फंक्शंस का नाम कैमल केस, सॉरी फंक्शन का नाम हम कैमल केस रखना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसा कहते हैं क्योंकि इट लुक्स गुड एंड इट इज अ गुड प्रैक्टिस। वो क्या होती है, जैसे मैंने लिखा वंश ऐसे देवगन, ठीक है, तो पहला लेटर पहले वर्ड का लेटर स्मॉल और बाकी इतने वर्ड उनका पहला लेटर कैपिटल। जैसे कि अगर मैं फंक्शन बना रहा हूँ लेट सॉल्व मैथ, ठीक है, तो लेट्स, ठीक है, लेट सॉल्व मैथ, सो दिस इज अ ऐसे में नेमिंग रखूंगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होता है वैसे ही होता है, पार्स एक वर्ड, ठीक है, आई एन टी, या फिर पार्स फ्लोट, देखो ऐसे ही है, इनको पहला पार्स को फिक्स हो गया, ठीक है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है। तो पार्स एंड क्या करेगा, इंट को पार्स करेगा, पार्स का मतलब क्या होता है कि इट विल ट्राई टू अडेप्ट इट एज इंटीजर, ठीक है, इट विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट विच इज पास टू इट एज इंटीजर, ठीक है, तो वो उसको करेगा और फिर वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना, जो भी रिटर्न हो रही होती है डायरेक्टली प्रिंट हो जा रही है, ठीक है, तो अगर मैं पार्स 10 लिख रहा हूँ तो वो रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। जब कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, देखो इसमें एरो बना हुआ है इस साइड का, तो इसे रिटर्न होकर वैल्यू है तो उसका ऐसा एरो दिखाता है मे बी, तो ये रिटर्न वाली वैल्यू, ठीक है, तो अब ये रिटर्न वाली उसको हम स्टोर कर सकते हैं कहीं पे। तो इन जनरल वे बट यू विल डू वन थिंग, यू विल डू लाइक पहले तुमने वेर एक्स ले लिया, इनपुट करवा लिया, ठीक है, फिर तुम कर रहे हो वेर एक्स आई, मतलब कि हमने इंटीजर कर लिया, ऐसे नाम बना दिया नया पार्स इंट, ठीक है, फिर तुमने करा पार्स इंट के अंदर तुमने क्या लिखा कि जो हमारी एक्स में वैल्यू होगी वो एक्स आई में चली जाएगी, फिर हम लिखेंगे वेर वाई आई इक्वल टू पार्स इंट, और यहाँ पे तुम लिख दोगे वाई, ठीक है, लाइक इसमें जो वैल्यू है पहला वाला नंबर जो आया उसको तुमने एक्स आई में डाल दिया इंटीजर बनाकर, दूसरा आया उसको वाई आई में डाल दिया, फिर तुमने लिखा कॉन्सोल डॉट लॉग, और फिर तुमने करा एक्स आई प्लस वाई आई, ठीक है, ये तुमने कर दिया और तुमने अब सेव करा इसको, ठीक है। और मैं पता टेस्ट बोलूंगा जितने लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन, कोई ऐसा ना हो ज्वाइन करके चले गए बस दिखाने के लिए, भैया हम तो अच्छे बच्चे हैं हमने पूरा सेशन ज्वाइन किया था, तो मैं भी क्वेश्चन ही पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो 10-20 लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया 30 हो गया, अभी सम हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ इस केस में, ठीक है। लेकिन ये कोड काफी बड़ा नहीं हो गया, अब इसको करने के 2-3 तरीके और है। पहली बात बताओ ये तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया, ये कोड किस किस, कोई ऐसा है जो समझ में ना आया हो तो भाई बोल दो, ये भाई जैसी भाईचारा वाली बात है यहाँ पे, ये आईटी की फैमिली है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सीख लो, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाएंगे हम तो तभी मजा आएगा, वरना ऐसे ये बेसिक करने का कोई मजा नहीं है नंबर वंबर डालने वाला। बताओ आप सबको आ गया, तुम्हें पूछ लेता हूँ बाकी से भी। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लेट मी पिक अ रैंडम पर्सन, वो मुझे कोड समझाएगा। सो लेट्स से आई एम गोना पिक
प्रियांशी को पिक कर लेते हैं आज. तो प्रियांशी आर यू देयर? नहीं ज्वाइन करके छोड़ दिया लग रहा है मेरे को. प्रियांशी नहीं है यहाँ पे शायद. ओके तो श्रुति है यहाँ पे? लड़कियों के चक्कर में भैया हूँ. तो तुम मुझे समझाओ पहले. चलो कोड का मतलब बताओ, इस कोड में क्या हो रहा है इस टाइम? पहले तो हम एक्स वाई में इनपुट ले रहे हैं यूजर से, उसके लिए हमने प्रॉम्प्ट यूज किया है. फिर सेकंड दोनों okay. में हमने ये कर लिया. फिर उसके बाद फिर हमने वो एक्स आई करा ताकि हम कन्वर्ट कर सके स्ट्रिंग को इंटीजर में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पहले से वो स्ट्रिंग ही रहता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने पार्स इंट यूज करा है. और कंसोल डॉट लॉग से हमने उसको वो प्रिंट करा दिया. हाँ सही है. सो अब किसी फ्रेशर को उठाते हैं. फ्रेशर का नाम भी नहीं पता मुझे. लेट्स से और कौन है अपने इसमें? आयुष, आयुष है तू? नहीं है. आयुष गंगवार आर यू देयर? अच्छा अच्छा. कैन यू विल यू केयर टू एलैबोरेट दिस पर्टिकुलर कोड अगेन? एंड डू यू हैव एनी अदर मेथड लाइक बाय व्हिच वी कैन मेक इट अ लिटिल बिट शॉर्टर? शॉर्टर के लिए तो नहीं है क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी ली थी जब मुझे क्लास में हुई थी. लाइक कोई मेरे को सॉल्यूशन बता बता. कि हमने दो इनपुट लिए एक्स और वाई प्रॉम्प्ट के जरिए, और फिर उन्हें पार्स के जरिए हमने एंटर डिक्लेयर डेटा टाइप में चेंज कर दिया, फिर कंसोल में उनका एडिशन कर दिया. तो ये तो हो गया. अब आई वांट लाइक समवन विल टेल मी कि इस हम कम से कम वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं. दो मेथड इसमें यूज करने कम से कम डायरेक्टली पार्स के अंदर प्रॉम्प्ट लिख के. हाँ एक तो वो तरीका है, ठीक है, डायरेक्टली पार्स के अंदर हम प्रॉम्प्ट लिख दे. लाइक जो अब एक्चुअल में क्या सीन है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं उसमें एक्स पास कर रहे हैं, ठीक है. जब हमें पता है कि प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहीं पे आके प्लेस हो जाएगी, ठीक है, तो हम पार्स इंट के अंदर ही क्यों ना डाल दें इस प्रॉम्प्ट को. पार्स इंट फंक्शंस के अंदर फंक्शंस, समझे? तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो पहले यहाँ पे आएगी. इसमें जो वैल्यू रिजोल्व होगी, सपोज 20 इंटर का 20 यहाँ पे आया, स्ट्रिंग के अंदर आएगा ऑफकोर्स, वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में, एक्स में स्टोर हो जाएगा डायरेक्टली. तो हमें सब चक्कर पालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम ये कर सकते हैं डायरेक्टली पार्स एंड लिखा हमने. सो इसलिए लाइक मेरे को देखो ये चीज कर दी, ठीक है. वैसे बहुतों को पता भी होती है, बहुतों को नहीं भी पता होती. सो ठीक है, तो ये हमने कर दिया. सो अब क्या है, अब हमारा कोड बहुत सिंपल सा हो गया, ठीक है. अदर चीज क्या होती है कि हम इनपुट स्ट्रिंग में ही लेंगे, लेकिन जब हम सम करेंगे तब इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे कि अभी मैंने यहां तक कर दिया, तो अभी ये सही चलेगा. लेट मी गो एंड रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर पेज. And now it is asking me enter 10, not 20, and again 30 print हो गया, ठीक है. तो ये भी काफी simpler है, ठीक है. So other चीज क्या है कि नहीं नमन ऐसे नहीं करना है. तुमने क्या करा है, तुमने पार्स इंट लिखा है और प्रॉम्प्ट तुमने कौनसा, अच्छा कोड ही छोटा कर दिया पूरा. ये भी चीज सही है, सर एक लाइन में सब कुछ हो जाएगा, वेरिएबल्स यूज नहीं करने पड़ेंगे. सो ठीक है, तो अब एक चीज क्या है, एक चीज होती है ये, दूसरी चीज है कि हम पार्सेंट को ऐसे लिखे. पार्सेंट को अंदर हमने लिख दिया x, ठीक है, लाइक x को पार्सेंट में लिख दिया अलग से, और इसको हमने ऐसा अलग से लिख दिया, ठीक है. अब अलग से लिखने का भी कारण है क्योंकि अगर हम अलग से नहीं लिखेंगे इसको ऐसे, तो क्या होगा, x प्लस y पहले नंबर बन जाएगा 10, 20, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा फिर वो पूरे कंबाइंड नंबर को, जो कि हम नहीं चाहते. तो पहले x कन्वर्ट होगा, लाइक इवैल्यूएट होने से पहले x कन्वर्ट होगा, फिर y कन्वर्ट होगा, फिर दोनों ऐड हो जाएंगे. तो इसका सेकंड वे. लेकिन इस केस में x की जो मेन वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो स्ट्रिंग ही रहेगी, क्योंकि हमने x को कन्वर्ट तो कर लिया लेकिन हमने उसकी कन्वर्ट हुई वैल्यू को कहीं पे स्टोर नहीं किया. समझ रहे बात को क्या कह रहा हूं मैं? लाइक हमने पार्स इंट से x को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, लेकिन वो वैल्यू बस रिटर्न होकर यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, लेकिन लाइक ये 56 वैल्यू हमने डाली यहाँ प्लेस हो जाएगी इंटीजर में कन्वर्ट होकर, but it will never be stored in the x, ठीक है. तो डेटा persistent नहीं रखा हमने, ठीक है. इन द अबव केस डेटा persistent है, लाइक जो हमने इनपुट लिया वो इंटीजर में ही सेव होगा, ये चीज है. तो ये दोनों में अंतर है. तो दिस इज हाउ वी आर डीलिंग विद लाइक इनपुट्स एंड हाउ वी आर डीलिंग विद यू नो टाइप कास्टिंग स्टफ ओवर हियर, ठीक है. सो ये चीज हो गई. तो लाइक इंटीजर और फ्लोट ऐड हो सकते हैं, तो हम पार्ट फ्लोट कर ले और एक इंटीजर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैटर नहीं करता ये सब.
तो मेन चीज हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए. तो बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कवर कर सकते एक दिन में, तो इसलिए मैंने ये यहीं तक रखा. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ. तो कोई रो रहा है मेरी गली में शायद. सो या, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर बेसिक. नाउ अब हम करते हैं कुछ नया. ठीक है, तो टाइप ऑफ फंक्शन टाइप चेक कर सकते हैं. तो हमने अभी तक क्या सीख लिया, हमने प्रोग्राम सीख लिया कि हाउ टू टेक टू नंबर्स एंड उनको सम कैसे करना है. बहुत सिंपल चीज. ठीक है, तो अब हम सीखते हैं फॉर लूप. फॉर लूप किस लिए, कि वी वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन द कंसोल. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में दो तरह की चीज होती है, एक होता है फॉर ईच लूप, एक होता है फॉर लूप. मेरे हिसाब से होता है फॉर लूप भी. तो फॉर लूप लूप से जावास्क्रिप्ट डालता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होता है. फॉर लूप पे ज्यादा यूज होता है. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट फॉर लूप. और ठीक है, अब लूप क्या होता है, किसी चीज को अगर हमें रिपीट करना है तो हम लूप यूज करते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट, जिसको उन्होंने काफी अजीब सा रखा है. तो चलो कुछ चीज और सीख लेते हैं. ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज सीख लेते हैं. जैसे कि लेट्स से हमारे पास कुछ है, लेट्स से हमारे पास एक नेम है इक्वल टू वंश देवगन. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सिंपल से मेथड प्रोवाइड करते हैं इसके लेंथ जानने के लिए. तो नेम डॉट लेंथ अगर मैं करता हूँ तो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है. ठीक है, नेम क्या है, नेम एक वेरी एक सेकंड यार, मैंने इसको थोड़ा सा अजीब बना दिया इसको, मेरे को एक सेकंड रुको, कैंसिल कैंसिल. जैसे कि मैं लिखा वेर नेम इक्वल टू वंश देवगन. ठीक है, तो मैंने एक नाम लिख दिया और अपना एंटर मार दिया, तो नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई वंश देवगन. ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ नेम, तो इसके अंदर इतनी चीज आ रही है, नेम डॉट ये सब है ना, इतनी सारी चीज है. फिर इन सब को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज जो जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्लास है ना उसके अटैच्ड है. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्लास का अटैच्ड है प्रॉपर्टी, इसलिए नेम डॉट डॉट डालने के बाद इतनी चीज आ रही है, जैसे कि इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है, इसलिए जैसे जो है इसमें सर्च नाम की एक चीज है, स्लाइस मोल, ये सारे मेथड्स है या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज है एक स्ट्रिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग टाइप का डेटा की. ठीक है, तो लेंथ नाम का जो होता है ना, लेंथ नाम की प्रॉपर्टी जो है, इसको अगर मैं डाल रहा हूँ इट इज गिविंग मी 12. शायद मैं इसको अगर ऐसे डालूंगा तो चलेगा नहीं. ठीक है, क्योंकि लेंथ इज अ प्रॉपर्टी एंड जिसके आगे दो ब्रैकेट्स लगते हैं वो मेथड होता है. ठीक है, तो अभी हम प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, तो नेम डॉट लेंथ इज टेलिंग अस द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप. ठीक है, और अगर मैं टाइप करता हूँ कुछ ऐसा सर्च करके, लाइक इसमें एक और होता है सर्च, तो इन सब का हम पता कर सकते हैं, नेट पर पढ़ सकते हैं कि बटा ऐसे करा मैंने. ठीक है, सर्च को अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो क्या कह रहा है कि ये फंक्शन है, नीचे लिखा आ गया फंक्शन है, तो मैं ब्रैकेट लगाया तो इट इज अ फंक्शन. तो वी कैन सर्च समथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. ठीक है, जैसे मैंने वी सर्च करा तो बता देगा वी जीरो इंडेक्स पे है. इंडेक्स क्या होते हैं, वो चीज़ है. ठीक है, अब इंडेक्स की बात करता हूँ मैं. अगर ये पूरी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, इसको मैं ले लूँ और नोट पैड पर लिख दूँ ऐसे उठा के. ठीक है, तो अगर तुम इस चीज को गौर से देखो तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इंडेक्सेस में बांटते हैं. इंडेक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि वी विल बी एट जीरो लोकेशन, ए विल बी एट वन लोकेशन, ऐसे. ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, टू एस इज थ्री, एच इज फोर. ठीक है, स्पेस इज एट रेट फाइव, देन वी हैव डी सिक्स. ठीक है, सो लाइक वी डिवाइड इन दिस पर्टिकुलर फैशन, वी डिवाइड अ स्ट्रिंग इन दिस पर्टिकुलर फैशन देवगन. ठीक है, तो ये 10 है पूरा और ये n के लिए 11 है. ठीक है, सो ये समझ लो. ठीक है, सो एक काम कर सकते हैं हम, देव तक कर सकते हैं ऐसे, और इसको ऐसे कर सकते हैं लाइक दिस. सो ये जो स्ट्रिंग होती है इसको हम जीरो से लेके जहां तक स्ट्रिंग का एंड होता है वहां तक इंडेक्स में बांट देते हैं. ठीक है, तो कुछ मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, पॉपुलर मेथड, एक होता है स्लाइस, एक होता है सर्च, एक होता है लेंथ, एक होता है ये होगा, एक होता है सब एसटीआर. ठीक है, तो स्लाइस का मतलब क्या होता है कि आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट काटना है. जैसे कि आपको, आप चाहते हो कि सिर्फ वंश वंश नाम मिल, लाइक शुरुआत के पांच लेटर, शुरुआत के पांच वर्ड्स निकाल, लेटर्स बोलिए, शुरुआत के पांच कैरेक्टर्स और लेटर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं इसमें से निकालने हैं, या फिर आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सर्च करना है कि ए कहाँ पे आता है या फिर एस कहाँ पे आता है. ठीक है, वो चाहिए, लाइक उसका इंडेक्स पोजीशन चाहिए. तो ये जो पोजीशन होती है ना, जो मैंने यहाँ लिखी है, जैसे कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो नेम इक्वल टू वंश डी वी, तो वी वाले इंडेक्स पे जीरो, लाइक वी वाले पोजीशन पे जीरो, ए वाले पोजीशन पे वन. ठीक है, दिख रहा है ये सब, तो ये कुछ चीजें है. ठीक है, तो ये क्या है कि जीरो पोजीशन पे वी है, वन पोजीशन पे ए है, एन पोजीशन, टू पोजीशन पे एन है. ठीक है, सो इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर, इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस की वन पोजिशन पे क्या है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस लाइक दिस, नेम
और यहाँ पे लिख सकते हो वन, ठीक है। सो ये ब्रैकेट स्पेसिफिक, ये हम एरे के अंदर यूज करते हैं एक्चुअल में, तो ये समझ सकते हो जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे, ठीक है। अब एरे की बात आ गई तो हम एरे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एरे क्या होता है। तो एरे जैसे मैंने बताया इट इज अ डेटा टाइप स्टोरिंग सेम टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, स्टोरिंग सेम टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो उसमें सेम टाइप ऑफ डेटा होता है डेटा टाइप में, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास मेरे कॉलेज के सब्जेक्ट्स के नंबर है, ठीक है, लाइक सपोज मेरा मिड टर्म का रिजल्ट आया तो उसमें जितना भी डेटा होगा वो सारा नंबर टाइप का होगा, सब क्या होगा, सब इंटीजर होंगे, ठीक है। तो मैं एक बना दूंगा मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इक्वल टू, क्योंकि सब इंटीजर टाइप के तो मैं लिखूंगा पहले वाले में 10 नंबर आए, दूसरे वाले में 24 नंबर आए, उसके बाद एक नंबर आया, फिर 99 नंबर आए, फिर हम पास हो गए थे, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया एक मार्क्स नाम की लिस्ट, ठीक है, लिस्ट नहीं, इसको हम पाइथन में लिस्ट बोलते हैं और इसमें हम इसको एरे बोलेंगे, ठीक है। सो लाइक मुझे पता है कि जो सबसे पहला वाला मैंने नंबर डाले है वो मैथ्स के है, दूसरे वाले नंबर उसके है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के है या कंप्यूटर साइंस के है या फिर ये किसके है कंप्यूटर साइंस, ये भी मतलब है हिंदी विंदी के है, ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं, मेरे को पता है कि मेरे पास चार सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, इंग्लिश हिंदी मैथ्स और साइंस, ठीक है। तो ये इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस के चार नंबर है और मेरे को पता है कि इंग्लिश वाला जीरो पे है, हिंदी वाला सेकंड नंबर पे है, मैथ्स वाला थर्ड नंबर पे है और साइंस वाला फोर्थ नंबर पे है। तो आई कैन डू कॉन्सोल डॉट लॉग एंड प्रिंट लाइक प्रिंट क्या मार्क्स, और अगर मैं लिखता हूँ ना मार्क्स क्या ऐसे फोर सॉरी जो इंडेक्स होता है ना वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये जीरो पे है मैथ्स के या फिर जो भी है, जैसे इंग्लिश के जीरो पे है, हिंदी के सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर पे है, मैथ्स के थर्ड नंबर पे है और साइंस के फोर्थ नंबर पे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जीरो वन टू थ्री, गलत बोल दिया मैंने, थर्ड नंबर वाले मार्क्स में चाहता हूँ, मेरे को पता है कि भाई थ्री अगर मैं थ्री नंबर लिख रहा हूँ तो मैं रेफर कर रहा हूँ कि आई एम रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज साइंस, ठीक है। तो अगर मैं मार्क्स थ्री लिखूंगा तो आई विल बी एबल टू प्रिंट मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट विच विल प्रिंट 99, लाइक ये क्या रिटर्न देगा 99 और आई कैन एक्सेस 99 इन द कंसोल, ठीक है। तो एरे इज अ डेटा टाइप व्हिच लुक्स लाइक दिस, व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, इसमें क्या है कलेक्शन डेटा का, ठीक है। सिमिलरली जब मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ ना, नेम इक्वल टू वॉइस टाइप, तो स्ट्रिंग क्या है एक्चुअल में, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ एरे टाइप, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर टाइप एरे, ठीक है। अब कैरेक्टर टाइप एरे क्या होता है, जैसे कि नेम इक्वल टू लिखा है तो इसमें क्या होगा, इसमें पहली पोजिशन पे वी होगा, दूसरी पोजिशन पे ए होगा, ठीक है, ये ऐसे डिवाइड हुआ होता है एक्चुअल में हमारा एन, ठीक है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप एट द बैक एंड, जो कि टेक्निकल टर्म है, ठीक है। और इसका अगला वाला स्पेस होगा ब्लैंक, फिर ऐसे होगा डी, ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ये चीज़ एकदम जो मैं बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। सो डी ई बी, ठीक है। सो जो मेरा मैंने ये नेम जब मैंने लिखा ना वेयर नेम इक्वल टू डेप, तो एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है, इट इज अ टाइप ऑफ एरे विच इज स्टोरिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग विच आई एंटर, ठीक है। इसलिए इफ इसलिए अगर मैं लिखता हूँ ना कि नेम और ऐसे करके थ्री या फोर, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ पर्टिकुलर चीज को, तो आई विल बी एबल टू प्रिंट जीरो वन टू थ्री फोर, आई विल बी एबल टू प्रिंट एच पर ये कैरेक्टर मैं प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग दिस। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ नेम डॉट सर्च, ठीक है, मैं सर्च करना चाहता हूँ कि इसमें एन कहाँ पे आता है, ऐसा सर्च करता हूँ एन, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें वैल्यू दे रहा हूँ तो मैं इसमें डबल कोट्स लगाऊंगा, ठीक है, एन इज अ वैल्यू, एन इज नॉट अ वेरिएबल, अगर मैं सिंपल एन लिख देता हूं देन इट इज अ वेरिएबल। सो इन दिस केस दिस सर्च फंक्शन विल सर्च एन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है, तो कैसे सर्च करेगा वो सब एक एक इंडेक्स चेक करेगा, जीरो पे तो नहीं है, वन पे तो नहीं है, टू पे है, तो वो मुझे टू रिटर्न कर देगा, तो जगह पे टू लिखा जाएगा, तो इट मीन्स एट द टू टू एट पोजिशन आई विल बी एबल टू एक्सेस द वेरिएबल द वैल्यू एन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सो अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे तुम्हें, अगर वहां समझ में नहीं आया लेट मी डू दिस क्लियर, ठीक है। तो नेम नाम के नेम क्या है, नेम अपना ये है, इसके लेंथ चेक कर लेते हैं, ठीक है, लेंथ चेक कर ली तो लेंथ 12 आ रही है, ठीक है हमारी। और लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्लियर दिस अप एंड दिस पेज, या टेल मी भैया, जैसे अपन ने एन सर्च किया तो अगर एन आगे भी होता तो वो आगे वाले पे जाता या यहीं रुक जाता पहले जहाँ पे मिल गया एन? ये तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये चीज मैंने सोच ली थी, यहाँ जब मैं लिखा ना तो मैं ये चीज मैं सोच रहा था क्या होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता।
सो इट इज हिट इन ट्रायल. अब मेरे को लगता है कि वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो सबसे पहले एन आएगा उसकी वैल्यू देगा पहले हमें, ऐसा होगा ठीक है. ये ऐसे ही करने वाला है मेरे हिसाब से, पहले वाले एन की देगा. तो हम इन द सर्च, एक सर्च फंक्शन है, इसमें पक्का एक आर्गुमेंट जाता होगा जो बताता होगा कि वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम विच पोजीशन, है ना. तो वो पहले फर्स्ट एन पे रुक जाएगा. और जैसे कि उसने बताया हमें, किसने बताया ये मुझे अभी चैट बॉक्स में, हर्ष ने मुझे बताया ठीक है अभी. तो ऐसा होगा, सो इन दिस पर्टिकुलर फैशन कि अब मैंने लिखा वंशदेव ठीक है, अब मैं लिखता हूँ नेम डॉट लेंथ ठीक है. तो प्रोग्रामिंग के टाइम में हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स. अगर बेसिक्स आगे सब हो जाएगा ठीक है. तो यहाँ पे लेंथ दिखा रहा है एक्चुअली 9. अब ये 9 क्यों दिखा रहा है, यहाँ तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है ठीक है. अब मैं बताऊँ 9 क्यों दिखा रहा है. अगर वो 0 से काउंट करेगा तो वो एक कैरेक्टर मिस कर देगा, तो लेंथ 9 ही दिखाएगा वो ठीक है. क्योंकि एक्चुअल में ये हमने 0 से इंडेक्स लिखे है, तो ये यहाँ पे एक्चुअल में हमारी लेंथ क्या है, लेंथ हमारी 9 ही है, लेकिन इंडेक्स पोजिशन हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो मैंने इसको ऐसे लिख रखा है. एक्चुअल में ये ऐसे स्टार्ट होगा ठीक है. इफ यू आर नॉट रेफरिंग टू इंडेक्स, बट इफ यू आर रेफरिंग टू इंडेक्स देन वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 0. सो लेंथ इसके 9 थी. अगर हम काउंट करेंगे, काउंट हम 1 से करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है. तो 9 हमारी लेंथ हो गई ठीक है, काउंटिंग तो 1 से शुरू होगी. सो इसलिए वो 9 दिखा रहा है. नाउ अगर मैं करता हूँ नेम ठीक है, नेम डॉट सर्च ठीक है, और इसमें मैं करता हूँ लेट से एस, और मैंने इसको एंटर, अब मैं देखो सिंपल एस लिख रहा हूँ, एंटर मारूँ क्या कह रहा है, एस इज नॉट डिफाइंड. Now this s is not a value, it is a variable. It is इसलिए error दे रहा है ठीक है. तो इसको variable value बनाने के लिए हमें double quotes में लिखना पड़ेगा, या फिर हमें ऊपर एक variable बनाना पड़ेगा, variable s equal to double quotes में s, ऐसा कुछ ठीक है. तो हमने ये करा, अब हमने enter मारा, तो अब क्या करा 3. तो let's check ये 3 position पे ही है क्या s, देख लीजिए 3 पे ही s है हमारा ठीक है. इसमें भी देखेंगे तो 0, 1, 2 और 3. So now, if I want to print this particular s, like let me do console.log, ठीक है? तो अगर मैं simple name को console.log कर रहा हूँ, तो हो रहा है, ठीक है? Simple है, print हो रहा है, जैसे कि simple print हो रहा है, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूँ ऐसे bracket, और मैं लिख रहा हूँ 3, let's see, तो अब क्या आ रहा है? S print हो रहा है, so it means I can able to access a particular element in this particular string also, ठीक है? Using this particular syntax, जैसे कि Python में slicing होती थी ऐसे करके, इसमें नहीं होती शायद, ना इसमें नहीं होती, ठीक है? इसमें फंक्शन बना हुआ स्लाइस नाम का. स्लाइस मतलब कि आप एक पर्टिकुलर चीज को काट सकते हो, ठीक है? इस पर्टिकुलर वर्ड को आप काट सकते हो. कैसे? आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 5 लेटर्स, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? लाइक ये 5 लेटर एक्सट्रैक्ट करने हैं. तो कायदे से देखा जाए, लाइक इन द टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल एंड एट 4. अगर मैं 5 लेटर काटने की बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आई विल गो टू द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ 4, ठीक है? लाइक लेस देन 1, एन माइनस 1 तक जाऊंगा मैं. सो इफ आई गो ओवर देयर and type console.log, console.log से पहले हम चेक कर लेते हैं name, ठीक है, dot slice, और मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ 0 से स्टार्ट करना है मुझे. अब मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे होगा, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम डूइंग हिट एंड ट्रायल, 0, एंड आई नो कि मुझे 5 तक जाना है, तो आई विल गो अंटिल 4, ठीक है? तो अभी ये s आगे लिखा हुआ, तो यहाँ 5 तक जाना है, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें क्या है, पहला वाला जो इंडेक्स है वो बताते हैं कहाँ से शुरू करना है, लास्ट वाला इंडेक्स बताना है, लास्ट वाला इंडेक्स जो होता है ना वो बताता है कहाँ तक जाना है, लाइक कितने कैरेक्टर आपको रीड करने हैं. और ये एन माइनस वन होता है, लाइक इट विल नॉट रीड 5th कैरेक्टर, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो 5th कैरेक्टर क्या है अपना, एक ब्लैंक स्पेस है, वो नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं 6 लिखूंगा ना तो भी एक ब्लैंक स्पेस एड हो गई. तो ये कहाँ तक रीड कर रहा है, एन माइनस वन तक. 0 से चालू होगा, 0 से चालू हुआ, ये 0 से चालू हुआ, 1, 2, 3, 4, और ये 5th वाला, लाइक 5 नंबर में डाला था मैंने, तो 5 वाला रीड नहीं करेगा, एन माइनस 1 तक जाएगा, तो ये 4 रीड करेगा, ठीक है? एंटर करा तो आई एम एबल टू एक्सट्रैक्ट वंश फ्रॉम इट. ओके, तो ऐसे ये चीज हो गई. तो एक फंक्शन होता है सब str करके शायद मेरे हिसाब से. तो ये कुछ फंक्शन है स्ट्रिंग का प्रॉपर्टीज, हम सब तो नहीं पढ़ सकते एक बार में, ठीक है? तो ये चीज है, ठीक है? तो इफ वी वॉन्ट टू लाइक डू समथिंग लाइक जतन ने अभी बताया, देख के नेट पे या फिर उसको आता होगा, तो उसने बताया कि लाइक हमने सपोज शुरुआत करनी है सेकंड नंबर से एंड तक जाना, तो मैं 2 कॉमा लिखा और छोड़ दिया, तो इट विल गो अंटिल एंड, ठीक है? तो ऐसे हमने इसको स्लाइसिंग कर ली. दिस इज ये वही सेम स्लाइसिंग है जो हम पाइथन में करते थे, इसको लगा के, इस ऑपरेटर को लगा के, ये वाला, ठीक है, ये वाला. तो ये एक चीज हो गई, ठीक है? तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीख लिया कि इंटीजर कैसे करना है, स्ट्रिंग के साथ हमने मेथड्स कैसे यूज करनी है, ठीक है? वो हमें सपोज पढ़ना है मेथड्स के बारे में, तो हम डाल देंगे String methods in JavaScript on Google, ठीक है? तो क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ याद नहीं रखता हूँ, इसलिए कभी चीज़ को ये सब चीज़ रटने वाली नहीं होती, ठीक है? लोग कहते हैं मैं स्ट्रिंग के सारे मेथड पढ़ लिया, याद नहीं, प्रोग्रामर बन गया. ना, प्रोग्रामिंग इससे नहीं आती, प्रोग्रामिंग आती है कि तुम इंटरनेट को कैसे यूज करते हो अच्छे से, ठीक है?
तो ये दिखा रहा है बोथ इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो ये कुछ मेथड स्टडी का है, तो इन लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट का मतलब क्या है ये तो नहीं पता इसमें, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स, तो ये लास्ट से चेक कर रहा है कि लाइक यहाँ पे मैंने बताया ना शुरुआत में लिख रहे, तो ये शुरुआत से चेक कर रहा है, अब लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या होता है ये पीछे से चेक कर रहा है मेरे हिसाब से स्ट्रिंग को कि लोकेट सबसे पहले कहाँ अकर हुआ शुरुआत में और एंड में, ठीक है। सर्च वाला मेथड का भी यहाँ पे कुछ दिया होगा, ठीक है, ये सर्च का है लोकेट, तो ये चीज है इसमें, ये कौन सा वाला लोकेट सर्च कर रहा है ये नहीं पता मुझे, देखना पड़ेगा, ठीक है, तो सेवेंथ वगैरह, ठीक है। तो अभी तक जितने हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी वो हमने एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, हमने अभी तक देखा होगा, मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, ये बस लिखा ही हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ चेंज हो तो वो कैसे करेंगे, तो दिस इज समथिंग विच वी गोना स्टडी टुमारो यू कैन से, ठीक है, तो या फिर हम आज भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर अ टॉपिक ऑफ फॉर लूप्स एंड एरे, देन वी आर गोइंग टू एंड दिस बिकॉज सबको काम होगा मेरे हिसाब से, वरना वी कैन कंटिन्यू, इट डिपेंड्स, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मैं एक काम भी निकल लेता हूँ, आई विल डू वन थिंग, आई विल मेक दिस लाइक दिस एंड इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और लाइक दिस अगेन, तो मैं देख नहीं रहा मैंने क्या करा है, मैं दिखा देता हूँ। मैंने पहले लिए स्क्रीनशॉट जो बच्चे आए थे उनका, और मैंने एक और स्क्रीनशॉट लिया है, देख लेते दोनों अलग अलग है ना, अलग है, सेम है, अलग है, थोड़े थोड़े सेम है। सो दिस इज हाउ आई यूज पेंट, सो मैंने सेव तो कर लिया इसको डेस्कटॉप पे, अटेंडेंस तो हो गई तुम्हारी, अब देखते हैं, अब पूरे टाइम पढ़ाने से तो फायदा है नहीं, तो बीच में क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, तो मैं एक बार फॉलो अप करवा दूं, देन आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन, क्योंकि वो को पता है लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हो। सो लेट्स मी रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा यार, एक सेकंड रुको, आई विल मेक इट दिस, इट लाइक दिस एंड इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं एंड बस हो गया। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी गोना डू वन थिंग लाइक, क्या कह रहा था यार मैं, हम एरे पढ़ने वाले थे, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट एन एरे, सो एरे कैसे बनाना है, एरे के लिए मेरे सबसे सिंपल ऐसे होता है वेयर, और फिर हमें लिखना ब्रैकेट, और जो हमें वैल्यू देनी है रेक्ट, ठीक है। सो जैसे वन रख दिया हमने पहले, फिर हमने रख दिया सब, तुमने टू रख दिया बाद में, फिर तुमने थ्री रख दिया, तो ये नहीं चलेगा, क्या कह रहा है, मिसिंग वेरी, अरे ओके, एरे का नेम नहीं दिया मैंने, लेट्स से नेम, तो ये चल क्यों गया, क्योंकि वंश कोमा टू कोमा फोर, सो नाउ इट्स नॉट एन एरे, ठीक है, ये एरे नहीं बना है अभी, तो एरे के लिए मेरे साथ यही करते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ये चला क्यों नहीं, लेट मी डू वन थिंग, नेम तो ये ऐसे क्यों दिखा रहे यार, देखो जावास्क्रिप्ट एरेस, एरे के लिए एरे यूज से नहीं होता क्या, मेरे को याद भी नहीं आ रहा कैसे बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही बनता है। तो कार्बन कार टू कार थ्री और कार्स, और इन्होंने ऐसे बना तो दिया, लेकिन आई थिंक वो दिखता ऐसे है, लेकिन वो एरे ही बन गया मे बी शायद, तो अच्छा इसके एरे मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो ये एरे क्यों बोलते हैं, इनको लिस्ट क्यों नहीं बोलते, चलो कोई ना, लेट्स सी कि लाइक अकॉर्डिंग टू कायदा, कायदे से देखा जाए तो एरे में एक टाइप का डेटा स्टोर होता है, लेकिन हर्ष भाई बता रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के एरे मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए टू थ्री डालने पे कोई एरर नहीं आया, ठीक है, तो ये चल गया, ठीक है, तो इट्स अ टाइप ऑफ एरे नाउ, तो एरे की लेंथ चेक कर सकते हैं हम, वी नो, तो हमने चेक कर ली लेंथ, तो लेंथ आई 13, ठीक है, अभी 13 कैसे आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 13 नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए 1, 2, 3 और 4 आनी चाहिए इसके लिए, सेमी कॉलन से फर्क पड़ेगा क्या इसमें, नेम डॉट लेंथ, देखो लेंथ तो अभी वही वाली यार, वही मैं कह रहा हूँ, लाइक इट इज टेकिंग, ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, पूरे वंश के पूरे पांचों गिने, फिर उसके बाद एक स्पेस, फिर देव, नहीं, वो देव तो, के तीन, फिर स्पेस, वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये ऐसा एरे स्टोर नहीं हो रहा है, क्योंकि एरे ऐसा नहीं होता कभी, एक सेकंड रुको, हेलो
या क्या कह रहा है यार। हाँ सो मैं कह रहा था कि ये अभी एरे नहीं बना है क्योंकि एरे में ऐसे नहीं दिखाएगा मेरे हिसाब से, तो वही मैं सोच रहा था ऐसा क्यों दिखा रहा है, मे बी कोई इशू हो रहा है। ठीक है तो हाँ ये पाइथन के लिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है तो इट इज अ वेरी वियर्ड बिहेवियर, जावास्क्रिप्ट वैसे ही बड़ी वियर्ड है। ठीक है तो हम चेक कर लेते हैं नेट पे एक बार डाल के, जैसे कि इन्होंने ये बनाया है। ठीक है इन्होंने ये कुछ बनाया है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एरेज के अंदर ये। सो इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने अच्छा ऐसे बनता है एरे, ऐसे बनता है एरे। ठीक है देखो भूल जाओ पुरानी बातें, नई बातों पे आ जाओ दोबारा, वो सब भूल जाओ मैंने पिछले पांच चार पांच मिनट में बोला। ठीक है सो सी एरे कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है वेर। ठीक है वेर ले लिया, फिर हमने बनाया एरे नेम से, बस हम ए आर नेम बना रहे हैं, हम लिखते हैं एरे, फिर हम लिखते हैं इसके अंदर वैल्यूज जो एरे में डालनी है, जैसे कि वाइंस डालनी है। ठीक है तुम सोचो नंबर पर डाल दोगे तो एरे देगा, दिया नहीं एरे अब भी नहीं। ठीक है तो चेक कर लेते हैं क्या प्रिंट हो रहा है कंसोल लॉग में, ए आर नेम में कुछ आ रहा है। सो इट इज एबल टू प्रिंट वंस एंड टू। ठीक है नाउ इट इज अ टाइप ऑफ एरे। ठीक है तो एरे ऐसे दिखता है, तो ठीक है इसका मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट का जो एरे है वो मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है तो हम एरे कैसे बनाएंगे, वेर फिर वेरिएबल का नाम देंगे कुछ जैसे कि नेम्स। ठीक है फिर हम देंगे एरे, एरे इज अ फंक्शन, मतलब एरे फंक्शन से बनता है, इसमें एक फंक्शन है उसमें हमें लिस्ट पास करनी है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की। लेट्स से पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 नंबर प्रिंट कर दिए, फिर मैंने एट द एंड वंश लिख दिया, फिर मैंने उसके बाद लिख दिया देवगन। ठीक है तो इसमें कितने टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 8 वैल्यूज हो गई, 7 8। ठीक है तो इसमें एक्चुअल में 8 वैल्यूज है, तो अगर मैं चेक करूंगा नेम डॉट लेंथ तो कितना दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है। ठीक है तो इसमें कायदे से 8 वैल्यूज है। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सेस अ वैल्यू नंबर, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं प्रिंट करता हूँ पूरे को आई विल बी एबल टू प्रिंट दिस। ठीक है तो प्रिंट कर पा रहा हूँ मैं ये एरे पूरा। ठीक है Now I want to print a certain values. Let's say I want to print a value from like let me let I want to print 7th value. So which is Devgan. Okay, which is the last value. I want to print this, which is also the last value which does not exist. Sorry, 6th. Okay. So Vansh aa gaya. Okay. Now if I want to print something like let's say I want to print Vansh Devgan. Okay. So I will do slicing. Slicing mein karna hai. Sabse pehle kahan se shuru karna hai? Shuru kahan se karna hai? Hume shuru karna hai 6th index se aur end tak jana hai. So I can do this as well. जिसमें मुझे एरे मिला वंश और देवगंगा। ठीक है तो इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेट मीन से आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पोजीशन एंड गो टू लास्ट, या फिर आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पोजीशन एंड स्टॉप एट 6। ठीक है तो इसमें 4 5 6 आ गया और 6th वाला लाइक ये वाली वैल्यू नहीं आई। ठीक है अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ ना, लाइक 7 जो मेरा लास्ट वैल्यू है तो मेरे यहाँ पे वंश तक आएगा ऐसे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर लाइक कैसे मैं कर रहा हूँ, स्लाइस कैसे यूज कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है तो अगर इसमें किसी को इश्यू है तो बोल सकता है, वैसे वो आई थिंक स्ट्रिंग से ये क्लियर हो गया होगा भैया कैसे हो रहा है। जैसे अपने पास कोई ये हेलो हाँ बोलो 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 भाई भैया ये जैसे अपन ने डाला स्लाइसिंग की, मतलब स्लाइस करके अपनों ने लिखा जैसे 4 नहीं मतलब 5 पे आए अपने वंश आया, जैसे वंश के अंदर अपने स्लाइसिंग नहीं कर सकते। अच्छा स्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो लाइक अर्चित का क्वेश्चन ये है कि इफ वी हैव दिस पर्टिकुलर लिस्ट जो कि वहां पर अभी है, जो कि है हमारे पास कंसोल डॉट लॉग और इसमें मैंने करा नेम्स। ठीक है तो वहां पर ये है, तो आई वांट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर एन। ठीक है मैं एन एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये चीज मैंने पाइथन में भी पढ़ाई थी, मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है, वेरिएबल है नेम्स इक्वल टू दिस। ठीक है ओके इसको नीचे नीचे रखता हूँ थोड़ा इस जगह पे। ठीक है जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, नेम्स इक्वल टू दिस इज समथिंग। ठीक है ये है कुछ, अब मैं लिखा नेम्स। ठीक है और मैंने लिखा कि नेम्स डॉट स्लाइस। ठीक है तो मैं चाहता हूँ पहले मैं वंश को एक्सट्रैक्ट कर लूँ इस पर्टिकुलर उससे। ठीक है तो मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो कहाँ पे वंश है अपना, वंश है 6th पोजिशन पे, तो मैं लिखूंगा 6th से चालू करना है। ठीक है और 7th पे खत्म करना है। 6 से चालू करा यानी कि ये तो इंक्लूड होगा ही होगा और ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है क्योंकि 7th है हमारा लास्ट इंडेक्स, n माइनस 1 तक जाता तो एक्चुअल में हमने एक पर्टिकुलर ये वैल्यू एक्सेस कर ली। ठीक है फिर हमने क्या करा डॉट, ठीक है फिर दोबारा स्लाइस लिखा। अब हम इस पर्टिकुलर चीज के ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी वर्क नहीं करेगा, चेक कर लेते हैं। लेट्स से हमने डाला 1, ठीक है n एक्सेस करना ना, n कहाँ पे है 0 1 2 2 पर है, तो 2 से चालू करा और 3 पे खत्म कर दिया, लाइक 3 से पहले n-1 पे।
इसको हमने अगर console dot log करा तो we should be able to print n over there, ठीक है? Let's try this console dot log, ठीक है? And let's see. So हमारे पास एक empty array आ रहा है जिसकी value है blank space. So let's do one thing. पहले हम यहाँ तक जाते हैं पीछे, क्या print हो रहा देखते हैं. अभी हम वंश प्रिंट कर पा रहे हैं जो कि एक एरे है, ठीक है? अभी हमने इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं किया बाहर. तो नेम जो स्लाइस को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, फिर उस वेरिएबल को स्लाइसिंग कर देते हैं. हाँ, यही बात है. ऐसा ही करना पड़ेगा शायद, वही कह रहा था मैं. सो अभी ये जो वैल्यू है ये एक एरे टाइप में ऑलरेडी है, तो अभी हम करंटली एक एरे में है, ठीक है? तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एक्चुअल में अभी हम एक एरे में है, एरे में है ना. तो ये क्या चीज है, देखो ये रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जिसका नाम क्या है, वंश, ठीक है? एक्चुअल में स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहा है, ये एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है? जिस एरे के, उस एरे में क्या है, उस एरे के जीरो इंडेक्स पे वंश है. सो इफ आई विल डू लाइक आई विल डू दिस, आई विल ऐड दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, आई विल बी एक्सेसिंग जीरो इंडेक्स. अब मैं जीरो इंडेक्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ तो मैं वंश प्रिंट कर पा रहा हूँ, ठीक है? जब मैं वंश को पकड़ चुका हूँ यहाँ पे, तो अब मैं इसको आगे फर्दर स्लाइस कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है? लाइक 2, 3. तो अब यहाँ पे मैं एन प्रिंट कर लिया, ठीक है? स्टोर करने की जरूरत भी नहीं वेरिएबल में, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली. समझे मैंने क्या करा? ये मेरे से कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा. इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, नेम्स नाम की लिस्ट है, मैंने पहले इसको स्लाइस करा 6.7 में, जिससे मुझे क्या मिला, ठीक है? तो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते. तो इसको अगर ध्यान से देखो मैंने क्या करा है, मैंने पहले एक लिस्ट बनाई है जिसमें ये है, ठीक है? ये सारी वैल्यू है, इसके 6 इंडेक्स पे वंश है. सो इफ आई वांट टू ग्रैब दिस वैल्यू व्हिच इज एट 6 इंडेक्स, सो आई विल ग्रैब दिस यूजिंग 6.7, ठीक है? एक्चुअल में इसको हम इस तरीके से गलत कर रहे हैं. हम इसको सिंपली कर सकते हैं नेम के आगे ब्रैकेट लिख के, लाइक हम इसको ऐसे कर सकते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेम्स, और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ 6 इंडेक्स में मेरा वंश है. फिर उसके बाद डॉट स्लाइस, और क्या लिखूँ तो 2.3, दिस विल ऑल्सो वर्क फाइन, ठीक है? तो दिस इज द करेक्ट वे टू डू दिस. अब मैं इसको थोड़ा एक बार पूरा कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ तक जा सकता है उससे, वहाँ तक तो जाएगा ये, ठीक है? सो क्या तरीका करा हमने, अभी हमने इस लिस्ट में से स्लाइसिंग कर लिया, ठीक है? क्या करा है, ये लिस्ट है, इसमें से हमने पहले वंश को ग्रैप, वंश को पकड़ लिया, ठीक है? कैसे, स्लाइस करके 6.7, यानी कि 6 इंडेक्स से चालू किया और 6 पे रहेगा क्योंकि 7 वाला तो काउंट करेगा नहीं वो, तो ये काउंट करा हमने यहाँ तक, ठीक है? तो इस केस में हमने ये गलत क्यों आया, क्योंकि हमने ये जो चीज़ है ना, ये एक एरे रिटर्न कर रहा है. स्लाइसिंग क्या करता है, स्लाइस एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है? स्लाइस फंक्शन एरे के अंदर हम ऑपरेट करते हैं तो एक एरे रिटर्न कर रहा है. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा नेम जो स्लाइस 6.7, तो इट इज रिटर्निंग एन एरे, ठीक है? जिसके अंदर वंश एक वैल्यू है जो कि जीरो इंडेक्स पे है. तो मैंने क्या करा, वंश वैल्यू जीरो इंडेक्स पे उसको ऐसे एक्सेस कर ली, क्योंकि ये एरे है. तो एरे सपोज इसको समझ लीजिए एरे का नाम है, नाम क्या है, इसका नाम है ARR, ठीक है? अब एरे का जीरो इंडेक्स कैसे एक्सेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो लिखा तो ये वंश नाम का वैल्यू एक्सेस हो गया. फिर हमने जो वैल्यू है सपोज कर लिया, ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है? इसको हमने लिखा डॉट स्लाइस 2.3 और ये एन आ गया. सो आई थिंक ये समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है? सो हर्ष ने लिखा है कि फिर नेम 6.3 एक बार ये भी ट्राई करके देखो भैया, नेम 6.3, तो 6.3, हाँ सो ये भी चल जाएगा. तो हर्ष सही कह रहा है, लाइक हम इसको स्लाइस करना जरूरी नहीं है, ठीक है? हम यहाँ पे भी यही सेम चीज लिख सकते हैं, जो हमने 6 वाली पोजीशन एक्सेस कर ली, सो वी विल डू दिस ऐसे, ठीक है? 6.3 ये आएगा, नहीं 2 आएगा, 6.2 आएगा हर्ष एन के लिए, ठीक है? सो ये सिंपल चीज क्या है, पहले हमने 6 वाली पोजीशन पे पहुंचे हम, ठीक है? वंश वाली पोजीशन पे हमने पहुंच गए, उसके बाद हमने वंश एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस होकर आ गई इस जगह पे, उसके बाद हमने इसका सेकंड इंडेक्स पे पहुंच गया यूजिंग दिस, ठीक है? एंड नंबर पे. तो ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ही हो गया मेरे हिसाब से. मेरे को लगता नहीं कोई अटेंड कर रहा है फर्स्ट ईयर का, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो ये चीज हो गई अपनी कहते हैं स्लाइसिंग, ठीक है? इन द जावास्क्रिप्ट स्लाइसिंग एंड एरे का यूज वगैरह, ठीक है? अब क्योंकि हमारे पास एरे है, वी वांट टू लाइक यू नो गो थ्रू, वी वांट टू लाइक यूज फॉर लूप, ठीक है? वी वांट टू प्रिंट एवरी वैल्यू वन टाइम इन द कंसोल, ठीक है? तो हाउ वी विल डू, वी विल फर्स्ट क्रिएट अ वैल्यू वेरिएबल आई, जैसे आई एन करता है, ठीक है? तो फॉर आई इन ऐसे, ठीक है? तो हमने कर लिया, ठीक है? आई वैल्यू बना दिया, हमने लिखा 4. तो फॉर लूप ऐसा होता है, सबको पता होगा, लाइक अब तुम सेकंड ईयर में हो सब लोग, ठीक है? सबको पता होगा फॉर आई इक्वल टू 0, सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, कि जो हमारा वेरिएबल उसकी वैल्यू कहाँ से चालू होनी है. आई इक्वल टू 0 कॉमा आई लेस देन, कहाँ तक हमें जाना है, ठीक है? अब इन केस हमें एरे की लेंथ नहीं पता, तो हमारा सिंपल सा जावास्क्रिप्ट फंक्शन है नेम्स डॉट लेंथ, जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लिस्ट की लेंथ रिटर्न कर देगा.
कितनी लेंथ है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब मैंने ये किससे काउंट करा, 1 से, इसलिए ये ऐसा आ गया। अब लेस देन लगाया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वो वहां तक जाएगा ही नहीं कभी, उससे कम ही जाएगा। अगर मैं लेस देन इक्वल टू लगाता हूँ तो आई नीड टू डू इट माइनस वन, समझ ये पता है मैंने क्यों करा है, माइनस वन क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू पे। देखो सिंपल सी बात है, अगर जीरो से चालू हो रहा है, ठीक है, तो जीरो से चालू करेंगे हम, तो हमें कहाँ तक जाना है, इंडेक्स अकॉर्डिंग हमें कहाँ तक जाना है, लेंथ माइनस वन तक। लेंथ हमें क्या देगा, ये एट देगा, क्योंकि इंडेक्स हमारे कहाँ तक होगा, सेवन तक। देवगन कौन से नंबर पे लिखा है, एट मैक्स सेवन, इसकी लेंथ क्या है, एट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ नेम जो लेंथ, तो यहाँ पे तो एट लिखा आ जाएगा, तो जीरो से एट तक, ठीक है, तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट कभी जाएगा नहीं, क्योंकि आई इज लेस देन एट, ठीक है, सेवन इज लेस देन एट, तो यहाँ तक ट्रू है, एट इज लेस देन एट इज फॉल्स, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू करता हूँ तो अब वो एट वाले वैल्यू का एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जहाँ जबकि एरे के अंदर एट वाले पोजिशन कुछ है नहीं, तो वो हमें एरर देगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम नॉट इक्वल टू यूज नहीं कर रहे हैं, तो वी विल राइट नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है, लेकिन इफ वी आर यूजिंग इक्वल टू देन वी विल यूज नेम्स डॉट लेंथ माइनस वन, ठीक है, ऐसा यूज करेंगे हम, एक कम ऑटोमेटिकली कर देंगे अपने आप, ठीक है। तो ये एक चीज है, उसके बाद हमें देखना होता है कि हमें इंक्रीमेंट कैसे करना है, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, तो वी वांट इंक्रीमेंट ऑन एवरी काउंट, ठीक है। तो ऐसे हमने वेरिएबल, ऐसे हमने ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। फॉर लूप कोई ऐसा तो नहीं है जिसको फॉर लूप नहीं आता है, मतलब कोई हो जिसको फॉर लूप नहीं आता हो, ठीक है। तो फॉर लूप ऐसे दिखता है, तो हमने करा कंसोल डॉट लॉग, और हमने लिखा यहाँ पे नेम्स नाम का हमारा एरे है, एंड वी वॉन्ट टू डू दिस लाइक दिस, नेम्स और आई, ठीक है। तो पहले आई की वैल्यू जीरो होगी, उसके बाद आई की वैल्यू टू होगी, थ्री होगी, फोर होगी, ऐसे करके होगी, तो हर बार एक एक करके सारी वैल्यू प्रिंट होगी आई की, ठीक है। लेट मी डू दिस, एंड इसमें कह रहा है कि सेमी कॉलन नहीं है, तो सेमी कॉलन यहाँ पे लगा होना चाहिए मेरे हिसाब से, और यहाँ पे कॉमा की जगह सेमी कॉलन लग रहा है, कॉमा की जगह सेमी कॉलन, हाँ वही, तो ये सिंटैक्स होता है, और अभी भी नहीं चला तो बेइज्जती हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, कि मिसिंग सेमी कॉलन आफ्टर फॉर लूप इनिशियलाइजर, अच्छा यहाँ पे अभी तक चेंज नहीं हुआ है, के अंदर है ना फॉर लूप जो बना है, i = 0 कर रहा हूं, तो इसके अंदर i = 0 के आगे हमें सेमी कॉलन लगाना है, यहाँ पे भी हमें सेमी कॉलन लगाना है, कि यहाँ कॉमा नहीं होता, सेमी कॉलन होता है, ठीक है। अब एंटर करा, तो नाउ यू कैन सी इट इज एबल टू प्रिंट 1, 2, 3, लाइक इट इज एबल टू ट्रेवर्स द लिस्ट, जो भी हम चीज करते हैं ना एक बार एटलीस्ट हर चीज प्रिंट कर देते हैं एरे की, तो उसको कहते हैं ट्रेवर्सिंग। तो हमने 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक ट्रेवर्स कर दिया, लेकिन अगर मैं इक्वल टू लगा देता हूँ देन आई विल गेट एन एन या कुछ ना कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब सही चला, लेकिन 8th पोजिशन पे आ गया अनडिफाइंड, क्योंकि वहाँ कोई वैल्यू नहीं है इसलिए, ठीक है। सो ये एक इशू है जो हमने अभी देखा। तो फॉर लूप बहुत सिंपल होता है, मैं फिर भी तुम्हें इसको ना नोट पैड पर समझा देता हूँ, जिसको नहीं आता है वो समझ जाएगा थोड़ा बहुत। तो फॉर लूप में क्या होता है कि पहले हम लिखते हैं इनिशियलाइजर, लाइक क्या हमारा ऐसी कौन सी चीजें वैरी करेगी, ठीक है। तो हम लिख दे आई इक्वल जीरो विल बी ऐसी चीजें जो वैरी करेगी हमारी, ठीक है। और आई की वैल्यू जो है वो जीरो से स्टार्ट होगी, और जो एरे की लेंथ है वहां तक जाएगी, और हर बार एक इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस का मतलब होता है एक, हर बार एक इंक्रीमेंट होगा। मैं ये भी लिख सकता हूँ i = i + 1 ऐसा, ठीक है। इसका मतलब कि हर बार i में एक 1 ऐड कर दूँ, गला सूख गया जैसे मेरा। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने नेम्स के आगे i लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेम्स वाला हमारा एरे है, पहले 0 पोजीशन एक्सेस करेंगे, फिर 1 पोजीशन एक्सेस करेंगे, ऐसे करते करते पूरा एरे एक्सेस करेंगे। दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो हमने आज क्या क्या पढ़ा वो हमने बताएगा समक्ष, मैं पानी पी लूं। मैं क्यों बताऊं? बताओ भाई, कोई तो बताओ, लेट्स से, अच्छा कौन बताना चाहता है, कोई रिकैप करना चाहता है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा स्क्रीन शेयर करके, कोई कर सकता है? भव्या, ऋतिक करेगा, ऋतिक, अजय, अजय, अजय कल मुझसे कह रहा था, अजय कौन करना चाहता है? नए बच्चों से पूछो, नया कौन है यहाँ पे, मुझे देखे तो नहीं रहा यार, सब मेरे को पुराना, लवेश, ऋतिक है, ऋतिक, ऋतिक कहाँ है, ऋतिक राज, नया नहीं हूँ मैं, ये नमन बताएगा, नमन जैन, नमन बताएगा, हाँ नमन सही है, नमन बताता है, एक्सप्लेन करता है अच्छे से, हाँ बहुत बढ़िया बताता है वो। राहुल कौन है? राहुल है कोई यहाँ पे? हाँ राहुल चुप बैठा है, ये राहुल कौन सा वाला है, राहुल मणिपाल, राहुल मेरे को लग रहा है आधे बच्चे ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, सब लोग ग्रुप कुछ लिखो चैट पे तभी पता चलेगा। तो भव्या तुम समझाओगे?
या कौन समझाएगा मुझे बताओ जरा, वोटिंग करो कौन समझाना चाहता है। अभिषेक सिंह कौन है? अभिषेक सिंह कौन है? अभिषेक सिंह समझाएगा, ये नया बच्चा लग रहा है मुझे। हेलो, हाँ कौन है भाई? मतलब अभिषेक, अभिषेक फ्रेशर हो? नहीं फ्रेशर नहीं, सेकंड ईयर में। Do you want to explain कि आज क्या-क्या वो recap करना चाहते हो? Okay. So can you share your screen and like try to explain like कोई भी पहला concept समझा दो, हमने पढ़ा है कुछ भी समझा दो, तो it will be like मैं screen share stop कर रहा हूँ and I think now you can start it, ठीक है? So share screen के बारे में समझाना क्या है भाई, कुछ भी समझा देना कुछ भी, मैं stop recording stop